अच्छा, तो ये सेशन शुरू हो गया अभी। सो वीवा डिस्ट्रीब्यूटर्स ओरिएंटेशन, ये वीडियो का मतलब क्या होता है, यहां पर आप देख सकते हैं अपने पर्दे पर, वीडियो का मतलब है वीवा डिस्ट्रीब्यूटर्स ओरिएंटेशन। ये उन सभी लोगों के लिए है जो इंडस वीवा बिजनेस के साथ ऑलरेडी हाथ मिला चुके हैं, जो लोग इंडस वीवा के साथ अपनी सक्सेस की जर्नी जिन लोगों ने शुरुआत कर रखा है, उन लोगों के लिए ये एक स्पेशल सेशन होगा। और इस सेशन के अंदर हम किसी गेस्ट को एंटरटेन नहीं करते हैं, क्योंकि गेस्ट जो पार्टिसिपेट करते हैं उस प्रोग्राम का नाम है वीओपी, यानी वीवा ओरिएंटेशन प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम के अंदर लोगों को बताया जाएगा व्हाट इज इंडस वीवा, यस इंडस वीवा कंपनी का मतलब क्या होता है, वो हम लोग चर्चा करते हैं, उसके बारे में जानकारी देते हैं वीओपी के अंदर। और ये कार्यक्रम है उसका नेक्स्ट लेवल प्रोग्राम जिसका नाम है वीडीओ। इसका मतलब जो लोग वीओपी अटेंड करके, जिन लोगों ने निर्णय ले लिया, जिन्होंने बिजनेस शुरू कर लिया है, उन लोगों के लिए एक मार्गदर्शन इस वीडीओ के अंदर दिया जाता है कि इंडस वीवा बिजनेस को कैसे किया जाए। वीओपी का मतलब व्हाट इज इंडस वीवा, इंडस वीवा का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट्स बिजनेस के बारे में वहां पर बताया जाता है। और यहां पर खास करके हम लोग उस चीज पर फोकस करते हैं जो इंडस वीवा बिजनेस को कैसे सक्सेसफुली हम लोग कर सकते हैं। तो इस प्रोग्राम के अंदर मैं यही मानता हूं कि सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं, कोई गेस्ट यहां पर ना हो ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, सो प्रवीण जी, मैंने आपको को होस्ट बना दिया, आप कृपया सभी लोगों को अलो करते रहिए, एडमिट ऑल करते रहिए। थैंक यू प्रवीण जी फॉर दैट सपोर्ट, हमारे जो टेक्निकल सपोर्ट है यहाँ पर। अच्छा, जो प्रवीण जी है को होस्ट, तो यस 750, 750 लोग हमारे साथ, और मुझे लग रहा है 1000 के बाद ये दरवाजा बंद करना पड़ेगा क्योंकि हमारा कैपेसिटी है 1000। लवली, आप लोगों का शनिवार का इस एक्साइटमेंट और कमिटमेंट को देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। इस खुशी के साथ, एक्साइटमेंट के साथ मैं इस प्रोग्राम की आरंभ करना चाहूंगा। तो चलिए हम लोग बिना कोई डिले हम लोग डायरेक्टली चलते हैं हमारे इस प्रेजेंटेशन के अंदर। यस, तो अब ये रहा स्क्रीन पर आपका नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, तो दोस्तों, जिन लोगों ने इंडस वीवा बिजनेस को एक दिन पहले शुरू किया, एक हफ्ते पहले शुरू किया, 2 हफ्तों पहले शुरू किया, या एक महीने पहले, या अभी रिसेंटली जिन लोगों ने इंडस वीवा बिजनेस को शुरू किया है, उन सभी लोगों को ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और पुराने लोग जो हैं उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है हम लोग अभी डिजिटल जा रहे हैं। सो एवरीबॉडी लिसन टू दिस सेशन विथ योर कंप्लीट फोकस एंड लेट्स गेट इनटू द स्लाइड्स। चलिए दोस्तों, यहां पर आपको बताना चाहता हूं, इंडस वीवा बिजनेस एक होम बेस्ड बिजनेस है। इसका मतलब आप अपने घर के कन्वीनियंस के साथ ही साथ अपने घर पे बैठ सकते हैं, और अपनी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करते हुए आप इस बिजनेस को ऑल ओवर इंडिया ही नहीं, आउट ऑफ इंडिया, नेपाल में बिजनेस कर सकते हैं और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी बिजनेस कर सकते हैं। ये है अपॉर्चुनिटी आपके सामने। और चलिए अभी हम और भी कुछ समझते हैं यहाँ पर। इंडस वीवा बिजनेस एक होम बेस्ड बिजनेस है, और इस बिजनेस के अंदर सक्सेस पाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, अपने आप को अपग्रेड किस तरह करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले वो सभी लोग जो मोबाइल पर इस वीडियो को, इस कार्यक्रम के अंदर भाग ले रहे हैं, जो लोग इस प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप सभी लोगों को मैं ये सलाह देना चाहता हूं कि आप सब जितना जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी अपने एक नया लैपटॉप, ब्रांड न्यू लैपटॉप आप खरीद लीजिए, क्योंकि लैपटॉप में प्रेजेंटेशन अटेंड करना, जूम मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करना बेस्ट होगा, सबसे बेस्ट। स्मार्टफोन तो ठीक है, लेकिन स्मार्टफोन से ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेंगे अगर आप एक लैपटॉप के जरिए इस बिजनेस के अंदर ट्रेनिंग्स या जो भी कार्यक्रम होता है उसमें भाग लें। और सेकेंड पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ, जूम ऐप जो है वो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए आपको चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट ऐप है, जूम ऐप, अपने लैपटॉप पर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और उसके बाद हो गया फेसबुक, फेसबुक भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस को डिजिटली लेकर जाने के लिए, सोशल मीडिया बहुत ही काम आता है। तो तीसरा हो गया आपका व्हाट्सएप, जितने भी लोग इंडस्ट्री और बिजनेस के अंदर ऑलरेडी हैं और जो अभी अभी आए हैं, आप सभी लोगों को ये बताना चाहता हूं कि व्हाट्सएप एक टीम मैनेजमेंट या अपने कम्युनिकेशन के लिए एक बहुत ही पावरफुल टूल है, कृपया इसके अंदर भी आप हमें हमेशा एक्टिव रहेंगे तो बढ़िया है। और व्हाट्सएप
का ये जो यहाँ पर बात हो रही है, तो उसके लिए मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि अगर आप अनवांटेड ग्रुप्स के अंदर हैं तो या तो उस ग्रुप से आप एग्जिट हो सकते हैं, या तो उस ग्रुप्स को आप उन सारे ग्रुप्स को आर्काइव का मतलब एक ऑप्शन है कि वो हाइड हो जाता है, क्योंकि आपके अप्लाइंस आपके साथ रोज कम्युनिकेट करते रहेंगे व्हाट्सएप पर। अगर आपको गुड मॉर्निंग मैसेज अप्लाइंट ने सेंड किया और आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग उसका रिप्लाई देते हैं, इसका मतलब आप बहुत ही पीछे हैं कम्युनिकेशन के अंदर। इसीलिए व्हाट्सएप पर अनवांटेड ग्रुप्स जो भी हैं उन सारी ग्रुप्स से आप बाहर आ जाइए, क्योंकि वो आपके लिए फोकस रहने के लिए बहुत काम आएगा। और चलिए आगे मैं बताना चाहता हूँ, इंडस विवा की जो यूट्यूब चैनल है उसके अंदर भी आप सब्सक्राइब करिए, ताकि इंडस विवा के सारे अपडेट्स, वेबिनार, सब कुछ आपको टाइमली मिलते रहे। और इंडस विवा का जो फेसबुक पेज है उसको भी लाइक करना भूलिएगा मत, क्योंकि उसको लाइक करने से इंडस विवा की जो सारे अपडेट्स इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज पर जो पोस्ट किया जाता है वो सारे अपडेट्स आपको मिलेंगे। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि यूट्यूब पर आप टाइम वेस्ट करें या फेसबुक व्हाट्सएप पर टाइम वेस्ट करें, ये सारी चीज आपके बिजनेस के अंदर एक कम्युनिकेशन होता है, और बिजनेस के अंदर इंफॉर्मेशन डेटा is very very important, और वो information आप इन माध्यम से, ये जो आपके सामने मैंने बताया यहाँ पर, उन चीजों के जरिए आप तुरंत instantly communications आप ले सकते हैं। और today आज की तारीख में ये सब कुछ तो online हो गया है, इंडस विवा के जो products है वो हम लोग online कर नहीं पा रहे हैं, वो तो हमें physically deliver देना ही पड़ रहा है, और उसके लिए हम लोगों के ऊपर dependent है, जो courier companies है उन companies के ऊपर dependent है। तो कुछ ऐसा समय आने जा रहा है दोस्तों, शॉर्टली आने वाला समय ऐसा होगा कि जहां पर ड्रोन्स, जो बच्चे खेलते हैं ना ड्रोन्स, आपको पता ही होगा वो थ्री इडियट्स पिक्चर में वो जो ड्रोन की बात करी ना उन्होंने, ड्रोन, उस ड्रोन के जरिए आप लोगों को प्रोडक्ट भी डिलीवर किया जाएगा। ये हमारा उम्मीद है डिजिटल इंडस विवाह को आगे लेकर जाते हुए। चलिए आगे मैं बताना चाहता हूँ, 850 पीपल हमारे साथ हैं, 800 से ज्यादा लोग। अच्छा, ये हॉल तो अभी फुल हो गया है, चलिए वेरी गुड। तो 2000 से 2000 मतलब सन 2000 से लेकर 2010 तक आप देख सकते हैं कि रिटेल कंपनियों की काफी फैलना, ये सब कुछ हुआ 2000 से 2010 तक। इस 10 साल के अंदर आप देख सकते हैं कि बिग बाजार या रिलायंस, इस तरह के जो रिटेल आउटलेट्स हैं ये काफी बढ़ गया देश के अंदर और विदेश में भी। और 2010 से 2020 यानी 2010 से 2020 तक आप देख सकते हैं कि वो जो हम लोग बिग बाजार या रिलायंस मार्ट रिटेल आउटलेट से जो खरीदते थे कपड़े या जो भी ग्रोसरीज किराना सब कुछ, वो सारी चीजें अब तो आ गया है ऑनलाइन पर। हमें पता है Amazon और Flipkart वगैरह वगैरह आजकल काफी पॉपुलर है, तो शिफ्ट हो गया बिजनेस ऑफलाइन से ऑनलाइन मॉडल पर। अब 2020 से आगे क्या होने जा रहा है, ये एक खुश खबर है आपको बताना चाहता हूं। 2020 से अभी 2020 से आगे क्या होने जा रहा है, 2020 के बाद इंडस विवा जैसे कंपनियों की बढ़ती, इंडस विवा जैसे कंपनियों का एक्सप्लोशन, एक बहुत बड़ा ग्रोथ इस सेक्टर के अंदर आप देख सकते हैं, और इस सेक्टर का नाम है कम्युनिटी कॉमर्स। कम्युनिटी कॉमर्स का मतलब क्या होता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, कम्युनिटी यानी लोग, लोगों से कनेक्टेड जो है एक समाज, कम्युनिटी कह सकते हैं हम लोग, और कॉमर्स यानी बिजनेस, यानी इस समाज के अंदर कम्युनिटी कॉमर्स की जो कंपनियां जो है उन सारी कंपनियों की ग्रोथ होंगे जैसे इंडस विवा जैसे कंपनी, क्योंकि कम्युनिटी कॉमर्स कंपनियों का खासियत ये है वहां पर ना कोई एडवर्टाइजमेंट है, ना कोई मिडिलमैन मध्यवर्ती है, ना तो कोई रिटेल आउटलेट्स है। ये सारी चीजें वहां पर हटाया जाएगा, एडवर्टाइजमेंट हटाया जाएगा, मिडिलमैन हटाया जाएगा, और रिटेल शॉप्स जो भी है, जो हम लोग बात कर रहे थे बिग बाजार या जो भी रिटेल आउटलेट्स रिलायंस वगैरह, ये सारी चीजें हट जाएंगे, और कम्युनिटी कॉमर्स के अंदर आप और मेरे जैसे स्मार्ट टेक्नो एंटरप्रेनर्स, टेक सेवी एंटरप्रेनर्स, जिनको मैं कहता हूं टेक्नोप्रेनर्स, हमारे जैसे लोग अब बढ़ने वाले हैं इस क्षेत्र के अंदर। इसका मतलब जैसे अभी मैं बैंगलोर में बैठा हूं इस लैपटॉप को लेकर अपने घर पे, और आप बैठे हैं कहीं पर असम पर या अरुणाचल प्रदेश या दिल्ली झारखंड, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, सेंट्रल इंडिया, ईस्ट इंडिया या कहीं पर भी हो सकता है, और आज ये जो डिस्कशन यहाँ पर जारी है दोस्तों,
ये टेक्नोप्रोनर्स के एक एग्जाम्पल है जो आपके सामने लाइव में बताना चाहता हूं। जैसे इस सेशन के अंदर हम लोग टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए इंफॉर्मेशन को हम लोग सीख रहे हैं और कुछ नया सीख रहे हैं और बिजनेस कर रहे हैं, इस तरह के लोग अभी से बढ़ने वाले हैं। आने वाला समय टेक्नोलॉजी का है और डिजिटली बिजनेसेस करेंगे हम सब लोग। और इंडस्ट्री का बिजनेस की खासियत ये है कि हम एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे, मिडिलमैन नहीं होंगे, यहाँ पर रिटेल आउटलेट्स नहीं होंगे, और प्रोडक्ट्स को कस्टमर तक पहुंचाने में तैयारक यानी जहां पर तैयारी किया जाता है वहां से कस्टमर तक पहुंचाने के लिए हम लोग टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करेंगे। और इसके अंदर सबसे ज्यादा मुनाफा बेनिफिट, इसका फायदा सबसे ज्यादा आपका और मेरा, हमारे जैसे लोगों का होगा। दोस्तों ये है आने वाला समय का एक खुशखबर। और मैंने बताया था कि आने वाले समय में इस तरह के कंपनी के ग्रोथ होंगे, वो ऑलरेडी हम अभी उसका एक मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग, विटनेस अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इंडस वीवा हेल्थ साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड 150% 150 गुना यानी 150% 150% एनुअल ग्रोथ रेट है इंडस वीवा का आज की तारीख में। और ये इंडिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज है, ये बहुत ही गर्व महसूस करने वाली बात है हर एक इंडस विवाह से जुड़े हुए डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। और उसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, ऑलरेडी इस कंपनी की शुरुआत हो चुकी है नेपाल में और आप नेपाल में अपने बिजनेस को कर सकते हैं। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जहां पर जाने का सपना हर एक आदमी रखता है, कभी अपनी जिंदगी में एक बार जाऊंगा तो बढ़िया रहेगा, लेकिन दोस्तों वहां पर जाने की बात नहीं कर रहे हम लोग, उससे आगे उससे ऊपर हम पर आप यहाँ यहीं पर बैठकर इंडिया में रहते हुए आप यूएस में भी बिजनेस कर सकते हैं। ये है इस कंपनी का और एक एडवांटेज। और तीसरा मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इंडस वीवा के प्रोडक्ट्स, ये सारे प्रोडक्ट्स डेवलप्ड एंड रिसर्च्ड एंड डेवलप्ड इन जापान। जापान का जो स्टैंडर्ड है एकदम वर्ल्ड का बेस्ट स्टैंडर्ड माना जाता है। मेड इन जापान खुद अपने आप में एक ब्रांड माना जाता है, मेड इन जापान। तो हमारे जो भी प्रोडक्ट्स हैं जापानी स्टैंडर्ड से इसे रिसर्च एंड डेवलप किया जा रहा है। तो आप इस प्रोडक्ट के ऊपर कितना विश्वास कर सकते हैं वो आपको इसी में समझ में आएगा दोस्तों। और हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है वो है GMP सर्टिफाइड यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, जो हम लोग जानते ही हैं, गूगल पे आप चेक कर सकते हैं, GMP का मतलब आपको समझ में आएगा, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं हमारे कंपनी के। और पिछले साल दोस्तों अभी अभी हम लोग मई महीने में हैं, अप्रैल 1 तारीख से इस साल का शुरुआत हुआ, फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूं और आर्थिक साल की बात हम लोग कर रहे हैं। तो मार्च 31 तक लास्ट ईयर कंपनी ने जो टर्नओवर किया है उसकी बात छोड़ दीजिए, सिर्फ इंसेंटिव्स जो आप और मेरे जैसे लोगों के बीच में जो बांटा गया है, इस इंटेंसिव का टोटल इंसेंटिव का टोटल है 300 करोड़। यानी 300 करोड़ कंपनी ने पिछले साल डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ बांट लिया, उन लोगों को बांट दिया है कंपनी ने। और कंपनी का खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है यहाँ पर बिजनेस चलाने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बहुत सारे वो लोग होंगे जो नए लोग अभी अभी इंडस वीवा के साथ जुड़े हुए हैं, आप लोगों को खुश एक गुड न्यूज में देना चाहता हूं कि इस इंडस वीवा बिजनेस के अंदर आने के बाद आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि आपकी कोई बैकग्राउंड नहीं है सेल्स के, मार्केटिंग की एक्सपीरियंस नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग आपने नहीं किया, इस तरह के बिजनेस के अंदर आप है नहीं, तो इन इन चीजों की चिंता आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। क्योंकि यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंडस वीवा बिजनेस के अंदर वाइब्रेंट वीवा एजुकेशन सिस्टम है जो कंपनी ओन्ड एंड ऑपरेटेड है, जिसका बेनिफिट लेते हुए आप बिना कोई एक्सपीरियंस भी इस बिजनेस के अंदर जीत हासिल कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में और थोड़ा सा डेप्थ में बताना चाहता हूं, जिससे आपको समझ में आए किस तरह के प्रोडक्ट्स हम लोग मार्केटिंग कर रहे हैं। फर्स्ट थिंग, हेल्थ एंड वेलनेस, आज की तारीख में स्वस्थ और आरोग्य मतलब हेल्थ और जो हेल्थ रिलेटेड जो चीजें हैं, अपनी सेहत की बात जो करते हैं, वो आज की तारीख में कोई इग्नोर नहीं कर सकता, इनकार नहीं कर सकता है, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया है अब लोगों के बीच में आज की तारीख में। हेल्थ इम्यूनिटी एंड हेल्थ सप्लीमेंट्स, हेल्थ इम्यूनिटी एंड हेल्थ सप्लीमेंट्स जो है आज की तारीख में क्रूशियल भी है दोस्तों, क्योंकि पैंडेमिक जो महामारी हम लोग जिस समस्या की हम लोग सामना कर रहे हैं, इस
परिस्थिति में इम्यूनिटी एंड हेल्थ सप्लीमेंट्स के बहुत ही इंपॉर्टेंस है आज लोगों के माइंड में। और प्रोडक्ट्स ऑफ इंडस वीवा, हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो आयुर्वेदिक प्रिंसिपल पर बनाया गया है, वैलिडेटेड बाय मॉडर्न साइंस। यस, आयुर्वेदा जो धरती इंडियन इंडियन सॉइल पे, इस धरती पर जो जन्म लिया आयुर्वेदा हजारों साल पहले, पुराना जो हमारे पारंपरिक जो आयुर्वेदा जो है उसको मॉडर्न साइंस के साथ इसको तैयार किया जा रहा है, तो 100% साइंस बेस्ड प्रोडक्ट है दोस्तों। और इस प्रोडक्ट्स की डिमांड इतना ज्यादा हो गया है अभी, तो आप अगर तैयार हैं तो आप अपने जितने भी आप कोशिश कर लीजिए। मैं आपको बता सकता हूं, आप उन सारे लोगों की जो रिक्वायरमेंट है उसे कभी पूरा नहीं कर सकते। सिर्फ आपकी नहीं, इस कंपनी को भी सभी लोगों तक प्रोडक्ट पहुंचाना मुश्किल ही नहीं है, नामुमकिन है, क्योंकि अब इतने सारे लोगों को इतनी डिमांड बढ़ गया है कि हम उतने प्रोडक्ट्स एक कंपनी हम खुद तैयार नहीं कर पाएंगे, इतना ज्यादा है पोटेंशियल। और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, आप इन प्रोडक्ट्स के बारे में, प्रोडक्ट्स के रिजल्ट्स के बारे में, टेस्टिमोनियल्स के बारे में, क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में ज्यादा जानकारी, जब भी हो सके इस कंपनी के प्रोडक्ट्स की जानकारी जरूर लीजिएगा और अपने आप को अपडेटेड रखिएगा। और इस कंपनी के वेबसाइट, प्रोडक्ट्स वेबसाइट जो भी है उन वेबसाइट्स पे जाइए। हर एक प्रोडक्ट के पीछे एक वेबसाइट है, हर एक प्रोडक्ट के लिए एक सेपरेट वेबसाइट मेंटेन किया जा रहा है। उन वेबसाइट्स पर जाइए और इस कंपनी के ट्रायल्स, क्लिनिकल ट्रायल्स, प्री क्लिनिकल ट्रायल्स, इन सारी जानकारियों को आप वहां से पा सकते हैं, जैसे जर्नल्स हो गया, टेस्टिमोनियल्स हो गया, ये सब कुछ। और नो मोर अबाउट द प्रोडक्ट्स एंड अबाउट फ्रॉम द प्रोडक्ट वेबसाइट्स। और आप ये सारी चीजें अपने कस्टमर या डिस्ट्रीब्यूटर या नया गेस्ट जो बिजनेस के अंदर आपके साथ हाथ मिलाना चाहते हैं, आपके साथ हाथ बढ़ाना चाहते हैं, उन लोगों को जरूर बताइएगा। और हमारे प्रोडक्ट्स जो है उसके पीछे जो साइंस है, उस साइंस के बारे में, प्रिंसिपल्स के बारे में हमेशा गर्व से, एकदम गर्व से, आपको गर्व महसूस करते हुए आपको बताना चाहिए, लोगों को सर उठा के जो है एकदम प्राइड के साथ आप लोगों को बताइएगा। प्रोडक्ट्स के टेस्टिमोनियल्स जरूर लोगों को बताइएगा, क्योंकि हम असाई बेरी के बारे में 3 दिन बात करेंगे तो लोगों को समझ में नहीं आएगा। अगर आपने एक एग्जांपल दे दिया, वो कपल जिनके 10 साल से कोई बच्चे नहीं थे, वो हमेशा कोशिश करते थे कि उनको एक बच्चा हो जाए, उस परिवार के अंदर ये एक बहुत बड़ा समस्या हो गया था। और उनको आईपल्स जब हस्बैंड और वाइफ को सजेस्ट किया गया, उन दोनों को आईपल्स के वजह से आज उस परिवार के अंदर जो कमी जो महसूस करते थे वो अब पूरा हो गया है। अगर इस तरह के टेस्टिमोनियल्स अगर आपके पास आपके खुद के होंगे तो वो बहुत ही काम आएगा दोस्तों। अंत में यही कहना चाहूंगा इस स्लाइड के अंदर कि अगर आपने बहुत ही गर्व से, अगर आपने लोगों को गर्व महसूस करते हुए अगर आप लोगों को प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे, लंबी दौड़ तक ये बहुत काम आएगा आपके लिए। तो ऑलवेज फील प्राउड अबाउट आवर बिजनेस। अब चलिए, प्रोडक्ट्स हो गया, कंपनी हो गया, इंडस्ट्री हो गया, थोड़ा सा मैं आपके बारे में बताना चाहता हूं, कुछ बातें रखना चाहता हूं और आपके बारे में मैं चर्चा करना चाहूंगा यहां पर। तो इधर जितने भी लोग हैं, जो आप लोग कैमरा देख रहे हैं, तो मैं कैमरा देख रहा हूं, तो आपके आंखों में मैं आंख डाल के अभी बात कर रहा हूं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप किसी और चीज पर बिजी हैं तो व्हाट्सएप, फेसबुक पर, तो वो सब साइड में रख दीजिए। अब थोड़ा सा आपके ध्यान, दिल ध्यान और दिमाग इस पर्दे पर लाइए, खास करके वो वीडियो जो जिसमें मैं हूं उसे देखिए, क्योंकि मैं आपके साथ आपके बारे में बात करना चाहता हूं। यहां पर दोस्तों बात हो रही है सपनों की। यस, सपनों की बात हो रही है। अगर मैं पूछूं कितने लोग हैं इस हॉल के अंदर, अभी तो 800 या 900 के करीब लोग आ गए अंदर, अगर मैं पूछूंगा कितने लोगों के अंदर ड्रीम्स है, सपने हैं, तो हर कोई हाथ ऊपर करेगा। और सपनों की जब बात करते हैं, सपनों का मतलब क्या होता है? सपनों का मतलब ये है कि हम आज बैठे बैठे हमारा जो आने वाला कल जो है उसके बारे में अगर हम लोगों ने कुछ बढ़िया सोचा और उन चीजों को रियलिटी में, हकीकत में रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए अगर हम लोगों ने काम करने के लिए अगर हम निर्णय लिया और अगर हम काम करने लगे, तो वो होगा एक ड्रीम कम ट्रू। एक सपने का मतलब, सपनों का मतलब ये होता है कि एक विजन जो आपका फ्यूचर, फ्यूचर कैसे हो, मतलब कैसे होगा, हर किसी का फ्यूचर किसी को पता नहीं, लेकिन अपने फ्यूचर को किस तरह, किस रूप से हमें उसको तैयार करना होगा ये जरूर हमें पता है, पता रहना चाहिए। और जिन लोगों के अंदर सपने हैं, जिन लोगों के अंदर ड्रीम्स है,
मैं आपको बताना चाहता हूं, पीपल दोज हु हैव द हैव हु ड्रीम हैव द एबिलिटी टू अचीव एंड अकम्प्लिश इनक्रेडिबल थिंग्स। दोस्तों इसका मतलब ये होता है, जिन लोगों के अंदर सपने होते हैं वो लोग काफी ताकतदार होते हैं, उनके अंदर काफी ताकत होता है, उनके अंदर काफी काबिलियत भी होता है उन सपनों को साक्षात्कार करने के लिए, उन सपनों को अचीव करने के लिए, उसको रियलाइज करने के लिए उन लोगों के अंदर काफी ताकत होता है। और जिस व्यक्ति के अंदर वो सपने नहीं होते, जिस व्यक्ति के अंदर वो ड्रीम नहीं है, मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो एक, 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 एक सच है कि वो लोग अपनी जिंदगी में उनके वक्त जो है उसे बर्बाद करने लगते हैं, अपने टाइम को वेस्ट करते हैं, रोज उठकर फेसबुक पर न्यूज फीड देखते देखते अपने टाइम बर्बाद करना चाहेंगे। दुनिया के जो सारे कचरा जो लोगों के सर पर व्हाट्सएप पे रोज सुबह डाला जाता है, लोगों का काम यही है, किसी ने कचरा मेरे सर पे फेंक दिया, मुझे पता नहीं उसमें क्या है, क्या लिखा है, क्या वीडियो है, किसी ने मुझे फॉरवर्ड किया, मेरे सर पे डाल दिया कचरा, उस कचरे को लेके मैं किसी और के सर पे डालना शुरू करता हूं। ये हो गया आज बहुत सारे लोगों का हालत, और फेसबुक पर पता नहीं क्या क्या करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, और कभी कभी टीवी देखते हैं, सीरियल देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, टाइम पास करते ही रहते हैं। और ये वो लोग हैं जिनके अंदर जरूर सपने नहीं है, लेकिन इस ग्रुप के अंदर आज हमारे साथ जितने भी जो लोग जुड़े हुए हैं, मैं यही मानता हूं कि आप सभी लोग वो लोग हैं जिनके अंदर ड्रीम है, जिनके अंदर एक लक्ष्य है, जिनके अंदर एक एक गोल है, जिसके और आप लोग जिसके और आप लोग जा रहे हैं। और इसीलिए शनिवार 3:30 बजे 3:26 पर आप लोग इस वीडियो में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये मुझे ये भरोसा दे रहा है और ये संदेश दे रहा है, आप लोग मुझे ये संदेश दे रहे हैं कि आप लोग अपने लाइफ को लेकर, अपने सपनों को लेकर, अपनी जिम्मेदारियों को लेकर, अपने परिवार को लेकर, अपने परिवार के लोगों की खुशी को लेकर आप लोग काफी सीरियस हैं। ये मैसेज संदेश मुझे आप लोग दे रहे हैं। दोस्तों बहुत बहुत बधाई हो इसके लिए, क्योंकि आपने ये प्रूव करके दिखाया आप भीड़ में एक बन के नहीं रहना चाहेंगे, आप कुछ हटके सोच रहे हैं, आप कुछ हटके करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। बहुत बहुत बधाई हो इंडस विवा बिजनेस को चुनने के लिए, क्योंकि इंडस विवा बिजनेस हर कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इंडस विवा बिजनेस को जानते हैं तो भी कर नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर सपने नहीं होते हैं। तो आप लोगों के अंदर सपना जरूर है, बहुत सारे सपने हैं, इसीलिए आप लोगों ने इंडस विवा को चुना। इसी बात को मैं मानते हुए मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। तो अपनी लाइफ में जो ड्रीम है दोस्तों, आपको वो ड्रीम होना चाहिए कि मैं अपनी जिंदगी में एक दिन कामयाब बन के दिखाऊंगा, अपनी जिंदगी में जो सक्सेस जो है उसे अचीव करके ही रहूंगा। और उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, अपने सपनों को हकीकत में, रियलिटी में अगर आप कन्वर्ट करना चाहेंगे, आपको एक काम करना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये मैक्सिमम लोगों को ये पता नहीं रहता है कि उन्हें क्या पता नहीं, लोगों को पता नहीं कि उन्हें क्या पता नहीं, लोग नहीं जानते हैं वो क्या नहीं जानते हैं, और जानने के लिए तैयार नहीं है जो वो नहीं जानते हैं। आप उस कैटेगरी में बिल्कुल मत रहिएगा। अब देखिए, आप मार्केट में जाके लोगों को पूछिए क्या तुम जिंदगी में सक्सेसफुल बनना चाहते हो, तो सभी लोग हाथ ऊपर करते हैं। और सेकेंड सवाल पूछिए आप, इस सक्सेस के लिए, उसे हासिल करने के लिए, अपनी जिंदगी में कामयाब बनने के लिए क्या आपके पास कोई प्लान है, तो लोग बोलते हैं बिल्कुल नहीं। और एक दिन दो दिन की नहीं है, सालों तक ऐसे ही लोग अपनी जिंदगी गुजारते हैं, जिंदगी में हर वक्त इनके पास प्लान नहीं होता। आप उस कैटेगरी में बिलोंग मत कीजिएगा। आपकी सपनों को हकीकत में बदलने के लिए आपके पास गोल्स रहना बहुत जरूरी है, एक लक्ष्य के साथ आपको काम करना होगा। मैं आज यहां पर हूं और मैं एक समय के बाद, कुछ समय के बाद यहां पर मैं पहुंचना चाहता हूं, और इससे कहते हैं गोल। आप जहां पर हैं और जहां पहुंचना चाहते हैं उसके बारे में अगर आपको क्लैरिटी मिल गई दोस्तों माइंड के अंदर, तो उसे कहते हैं हम लोग गोल। और उस गोल तक, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए बीच बीच में माइलस्टोन जो होता है दोस्तों, एक एक कदम करके आपको वो भी फिक्स करना होगा, ताकि आप बार बार चेक कर सकते हैं। जब मैं दिल्ली से जयपुर जा रहा था गाड़ी चलाते हुए कुछ साल पहले, मुझे जाना था जयपुर और मैं निकला था दिल्ली से। जब मैं दिल्ली से गुड़गांव होकर मैं जब निकला था, तो मैं सिर्फ अपने राइट लेफ्ट साइड में वो बोर्ड्स या जो भी माइलस्टोन्स है जिसके ऊपर लिखा रहता है जयपुर 250 किलोमीटर,
220 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, ये देखते 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 मैं पहुंच गया जयपुर कुछ 4-5 घंटों के अंदर, क्योंकि मुझे वो क्लैरिटी मिल गया था, वो गोल्स एंड माइलस्टोन मुझे पता था, तो मैं जयपुर पहुंच गया। तो आपके लाइफ में भी आपको भी ये ड्रीम देखना होगा, वो ड्रीम क्या है, वो सपना क्या है। इंडस युवा बिजनेस के अंदर आज एक डिस्ट्रीब्यूटर है आप, और आपको जाना होगा एग्जीक्यूटिव डायमंड रैंक तक। ये है आप और ये है आपकी मंजिल, और अपने करंट पोजीशन से लेकर ड्रीम तक अगर आप जाना चाहेंगे तो आपको एक ड्रीम होना चाहिए, एक विश्वास होना चाहिए मैं यहां पर पहुंचूंगा, और क्लैरिटी भी होना चाहिए, उसके साथ ही साथ प्लानिंग की जरूरत है, और उस प्लानिंग के मुताबिक, उस प्लानिंग के बराबर आपका काम भी होना चाहिए। जैसे डायमंड एक आदमी अगर बनना चाहता है तो ये बच्चों का खेल नहीं है, और ये एक दिन या दो दिन तीन दिन में नहीं होता है, कभी कभी 2 साल लगता है, 18 महीने में किसी ने करके दिखाया। सो 2 साल, 3 साल या 2.5 साल भी लग सकता है। तो आप जहां पर भी है, आज आपका रैंक है डिस्ट्रीब्यूटर। सो डिस्ट्रीब्यूटर के बाद होता है स्टार, स्टार 250, स्टार 500, स्टार 1000, रूबी, पर्ल, एमरल्ड, सफायर, फिर जाके आप बनेंगे डायमंड। ये हो गया आपका रैंक सिस्टम इंडस विवा के अंदर। तो आज के बाद जब भी अपने अपलाइन से मिलते हैं, अपने सीनियर से बातचीत होती है, तो आपका पूरा फोकस किस पर होना चाहिए? कोरोना के वजह से कितने लोगों की नौकरी गई हाथ से, क्या इसकी चिंता आपको करना चाहिए? बिल्कुल मत करिए। उसकी चिंता करने के लिए देश के बड़े बड़े अर्थशास्त्र, इकोनॉमिस्ट और बड़े बड़े लीडर्स हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, वो लोग उसकी चिंता करेंगे। आप देश के बारे में सोचिएगा मत, अपने स्टेट के बारे में सोचिएगा मत, अपने घर को अगर आप संभाल पाएंगे, अगर हर कोई अपने अपने घर को संभाल पाएगा, तो वो सब देश के विकास होने में बहुत मदद हो जाएगा। तो आपको सिर्फ आज से सिर्फ ये सोचना होगा, आज मैं किस रैंक पर हूं, मेरा अगला रैंक क्यों होगा, क्या होगा। तो अपलायंस से बात करने का वक्त आपको सिर्फ यही रिक्वेस्ट करना होगा, सर मैं अपना नेक्स्ट रैंक जो है उस रैंक में जाना चाहता हूं, उस रैंक में जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, और मुझे कृपया आप मार्गदर्शन दीजिए। इस तरह अगर विनम्रता से, हम्बली अगर आप अपने अप्लायंस के साथ बिहेव कर सकते हैं, तो अप्लायंस को भी बड़ा अच्छा लगेगा आपके साथ काम करने में। तो कृपया आज से इस क्वालिटी को अपनाइए, हमेशा अप्लायंस से पूछिए कि सर मैं अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहता हूं, नेक्स्ट रैंक जो भी है उस रैंक में जाना चाहता हूं। ये मत बोलिए सर मैं डायमंड बनना चाहता हूं। हाँ, डायमंड तो हमारा लॉन्ग टर्म प्लान है, लेकिन आगे का जो नेक्स्ट फ्राइडे के लिए जो टारगेट है उस पे ध्यान दीजिएगा। उस पे ध्यान देने से आप एक एक कदम 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 करके आप आगे जाएंगे, और एक दिन अपने मंजिल तक आप पहुंच जा सकते हैं। तो आपका पूरा फोकस होना चाहिए, नेक्स्ट रैंक जो है उस रैंक में जाने का आपका पूरा फोकस होना चाहिए। दोस्तों अब मैं अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूं। आप यहां पर देखिए एक चीज बताया जा रहा है, इंडस विवा अपॉर्चुनिटी, ये जो अवसर, एक अपॉर्चुनिटी आपके सामने रखा गया मौका, इस इंडस विवा अपॉर्चुनिटी के जरिए कोई करोड़पति नहीं बनता है। फिर से मैं बताना चाहता हूं, इंडस विवा अपॉर्चुनिटी के बारे में, मतलब इस इंडस विवा अपॉर्चुनिटी के वजह से कोई करोड़पति नहीं बनता है, डायमंड नहीं बनता है, सक्सेसफुल नहीं बन पाएगा, लेकिन इस इंडस विवा अपॉर्चुनिटी के बारे में जो आप जानते हैं, जो भी जानकारी इसके बारे में आपके अंदर है, जो नॉलेज आप पाएंगे, वो नॉलेज आपको जरूर करोड़पति बनने में मदद आएगी, मदद करेगी। तो ये याद रखना, सिर्फ इंडस विवा को जानने से आप करोड़पति नहीं बनेंगे, इस बिजनेस के बारे में और ज्यादा नॉलेज पाने से, स्किल्स अपनाने से आप करोड़पति बनेंगे। और इसका प्रोसेस जो मैंने कहा था, डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर एक डायमंड का जो जर्नी है, इसे कहते हैं योर डायमंड जर्नी। इस डायमंड जर्नी के लिए कम से कम, मैं आपको बता रहा हूं,
कुछ लोगों ने बहुत तेज इसे इस चीज को हासिल किया, कुछ लोगों ने बहुत समय लगा दिया, लेकिन एवरेज मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपके अंदर एवरेज भी नॉलेज है, एवरेज स्किल है, बहुत ही हाई फाई स्किल नहीं बात कर रहा हूं, बहुत लो लेवल की बात नहीं कर रहा हूं, अगर एवरेज भी अगर आप अपनी बुद्धि की इस्तेमाल कर पाएंगे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1000 दिनों के अंदर 1000 डेज की प्रोसेस है जिससे आप अपनी डायमंडशिप हासिल कर सकते हैं। ये एक प्रोसेस है। ये वर्ड जो मैंने आपको कहा इसे आप याद रख लीजिएगा। डायमंड बनना इंडस्ट्री और बिजनेस के अंदर एक प्रोसेस है, इट्स अ प्रोसेस। और आपको क्या करना पड़ेगा, आज के बाद उस प्रोसेस के अंदर अपने आप को लेकर आना होगा। इसका मतलब क्या हो गया, जब भी ट्रेनिंग होता है सबसे ज्यादा प्रायोरिटी ट्रेनिंग को देना पड़ेगा। मैं उन सभी लोगों को तारीफ करना चाहूंगा जो लोग अभी हमारे साथ 850 840 लोग हमारे साथ हैं, तो उन सभी लोगों को जो अभी इस हॉल के अंदर इस प्रोग्राम के अंदर है, आप लोगों को मैं तारीफ करना चाहूंगा क्योंकि आप लोगों ने इस प्रोसेस के अंदर अपने आप को लेकर आया। यस, सीखना भी एक प्रोसेस होता है, और जो भी आपको बताया जाएगा अपने सीनियर्स के मुताबिक, आपके सीनियर्स जो भी आपको कहेंगे बिना कोई प्रश्न पूछे, उन चीजों को आप कृपया फॉलो करिएगा, क्योंकि आपके सीनियर जो हैं वो ऑलरेडी इस स्टेट से, इस प्रोसेस से आगे निकल चुके हैं, और जो ऑलरेडी अपनी मंजिल तक, डायमंड नहीं ब्लैक डायमंड तक जो लोग गए हैं, उन लोगों का एक इंस्ट्रक्शन आपको दिया जाएगा कि आप ऐसे करो ऐसे ना करो, डूज एंड डोंट्स। उस वक्त आप कृपया उन लोगों को बिना कोई प्रश्न आप खुद उसे अपनाने के लिए तैयार हो जाइए। 1000 दिनों का प्रोसेस है, और इस प्रोसेस के अंदर मैं आपको थोड़ा सा अलर्ट करना चाहूंगा, क्या यह प्रोसेस ऐसा होगा कि मैं बहुत ही आराम से इस प्रोसेस में डायमंड बन जाऊं? बिल्कुल नहीं। सचिन तेंदुलकर जब क्रिकेट खेलने जाते थे, हर एक बैट्समैन जब वो बैटिंग के लिए जाता है, वहां पर एक आदमी है जो उसका साथ देना चाहता है, ऑपोजिट साइड जो नॉन स्ट्राइक में बैट्समैन जो होता है वो हो गया आपका अपलाइन, और बाकी 11 लोग या 10 लोग ऑपोजिट टीम के लोग, और अंपायर भी, अंपायर को छोड़ दीजिए, वो तो किसी के साइड में किसी के खिलाफ या किसी के परवाह नहीं है, अंपायर को छोड़ के वो जो 10 लोग ऑपोजिट के टीम के लोग जो है, उन लोगों का एक ही फोकस होता है कि किसी भी तरह इस आदमी को आउट किया जाए। तो बिल्कुल वैसे जब आप इंडस्ट्री और बिजनेस करने को शुरू करेंगे ना, इस प्रोसेस के अंदर जब आप अपने आप को लेकर आएंगे, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके जाने माने अच्छे तरीके से जो लोग आपको जानते हैं, ये सभी लोग शायद आपके साथ नहीं देंगे, इसके लिए तैयार हो जाइए। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये उम्मीद मत रखिए। मेरा भाई, मेरा खुद का जो बचपन का दोस्त, मेरे आसपास के पड़ोस के सब लोग मेरे साथ आएंगे और रातों रात मैं करोड़पति बन जाऊंगा, ये बेवकूफी हो सकता है अगर हम लोग ऐसे सोचेंगे तो। मैं आपको बताना चाहता हूं, शायद वो सारे लोग आपके साथ नहीं आएंगे जो आपके साथ आने की उम्मीद जिन लोगों की आपने कर रखा है। क्या इसके लिए आप तैयार हैं? क्वेश्चन नंबर 1। यू विल बी फेसिंग लॉट ऑफ फेलियर्स। हार जो होता है उसे आपको फेस करना ही पड़ेगा, और रिजेक्शंस, जो लोग आपको इनकार करेंगे, उसका भी सामना करना पड़ेगा। बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट्स, संघर्ष का सामना करना पड़ेगा, डिसअपॉइंटमेंट्स के सामना करना पड़ेगा। स्लो ग्रोथ भी होंगे आपका, शायद उसका भी सामना करना पड़ेगा। बड़े दुखित हो सकते हैं कभी कभी इस बिजनेस के अंदर, उस समय पर भी आपको अपने विश्वास खोना नहीं पड़ेगा। अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस, जैसे हम लोग बिजनेस तो कर रहे थे जनवरी फरवरी मार्च तक, अचानक कहीं ना कहीं से ये महामारी का जो सामना हम सब लोग आज कर रहे हैं, तो इस तरह के अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस भी आएंगे आपके सामने। तो असली खिलाड़ी वो होता है, जैसे सचिन की मैं बात करी,
जो 10 लोग उसको आउट करने की कोशिश कर रहे हैं उन लोगों को इधर उधर कर देना अपने बैटिंग स्किल्स के जरिए। उस तरह के खिलाड़ी आपको बनना पड़ेगा, आपको फेस करना पड़ेगा चैलेंजेस, रिजेक्शंस, डिसअपॉइंटमेंट्स वगैरह वगैरह, ताकि एक दिन, हजार दिनों का जो कमिटमेंट है उसके बाद एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आप एक डायमंड इस बिजनेस के अंदर जरूर बन सकते हैं। और आपका जो विश्वास है ये अटूट विश्वास होना चाहिए इस इंडस्ट्री के ऊपर और कंपनी के ऊपर, और तीसरा हो गया प्रोडक्ट्स के ऊपर और हमारी एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, और फाइनली आपको जिस व्यक्ति इस बिजनेस के अंदर लाया, जिन्होंने आपको गाइड किया या जो लोग आपको गाइड कर रहे हैं, उन सारे लोगों के ऊपर आपका अटूट विश्वास रखना बहुत ही जरूरी है ताकि आप इस अपॉर्चुनिटी में आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी मैं आपको बता देता हूं कि आपको करना क्या होगा। पहला पॉइंट ये है दोस्तों कि इंफोसिस कंपनी का नाम हम लोगों ने सुना होगा, अगर आपने नहीं सुना तो बाद में गूगल कर लीजिए, आपको पता चलेगा यहां पर है मिस्टर इंफोसिस नारायण मूर्ति, जिनके फोटो आप देख पा रहे हैं इस पर्दे पर, आपके मोबाइल पे या लैपटॉप पर देख सकते हैं, जो मिस्टर इंफोसिस नारायण मूर्ति, जिनको मेंटर, चीफ मेंटर माना जाता है इंफोसिस के, एनआर नारायण मूर्ति, इन्होंने 1980 यानी 1980s की बात मैं करूं तो उस वक्त इन्होंने, जब किसी को कंप्यूटर के बारे में पता नहीं था, इंटरनेट के बारे में पता नहीं था, स्मार्टफोन्स नहीं थे, ईमेल्स नहीं थे, और मतलब ये जो कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर या आज की जो जो भी आधुनिक टेक्नोलॉजी जिसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, जिसे हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ना लैपटॉप थी, ना कंप्यूटर, ना इंटरनेट, ना डेटा, ना 3G, ना 4G, उस जमाने में इस व्यक्ति ने एक सपना देखा, क्योंकि इनको पता चला आने वाला समय कैसे होगा, 2020 में इस दुनिया में किस तरह के रेवोल्यूशन होंगे टेक्नोलॉजी को लेकर, ये उस समय इन लोगों को पता चला और वो आइडिया जो है इनके दिमाग में एकदम स्ट्रॉन्गली आइडिया बन गया था, और उस आइडिया पर काम करने के लिए नारायण मूर्ति तैयार हो गए और उन्होंने अपने कुछ खास लोगों को बुलाया और बहुत सारे लोगों ने उनको इनकार किया, रिजेक्ट किया, और सिर्फ 5 लोगों ने इनका साथ दिया। मैं अभी बताना चाहता हूं, अभी इतिहास गवाह है, 30 साल के बाद वो 5 और ये नारायण मूर्ति जी, ये सब लोग आज बिलियनर्स हैं, जिनके नाम हम लोग लेते हैं अरबपति, करोड़पति की बात छोड़ दीजिए, अरबपति बन गए ये सब लोग, दे आर वर्थ बिलियंस टुडे। और दोस्तों इसी तरह शुरू होगा आपकी कहानी अभी इंडस्ट्री वाक्य थ्रू। आपको भी कुछ लोगों की जरूरत है, इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको 100, 200, 300, 400, 1000 लोगों की जरूरत है, कुछ गिने चुने लोग, 1, 2, 3 dozen लोग, अच्छे लोग आपको मिलना चाहिए, और अच्छे लोग अगर आपको चाहिए तो आपका लिस्ट जो है मिनिमम 150 लोगों का बनना चाहिए, बिना कोई जजमेंट, बिना कोई बार बार उनके बारे में ज्यादा डेप्थली सोचना, ये सब छोड़कर आप लिस्ट बनाइए कुछ 150 लोगों का मिनिमम, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि जितना ज्यादा आपका लिस्ट बड़ा होगा उतना ही आप जल्द ही इस बिजनेस के अंदर कामयाब बनेंगे। हमें चाहिए कुछ 1-2 dozen लोग जो इस बिजनेस को मान सकते हैं और आपके ऊपर उनका विश्वास है, और वो लोग जो खुद अपने आप पर विश्वास करते हैं, और जो लोग अपने ईगो को छोड़कर कुछ सुनने के लिए रेडी हैं, क्योंकि कुछ लोगों के पॉकेट में तो ईगो भरा हुआ होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, या तो आप पॉकेट में ईगो रख सकते हैं या आप अपने लाइफ में कामयाब बन के उस सक्सेस को अपने पॉकेट में रख सकते हैं। और मुझे पता है मार्केट में काफी लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो अपने ईगो से भरे हुए हैं। तो लिस्ट बनाइएगा 150 लोगों का, उसमें से अच्छे लोगों को हम चुनेंगे, उस चुनौती की जो प्रोसेस है वो आपके सीनियर्स आपको बताएंगे, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए इसके बारे में, उस सिलेक्शन के बारे में कैसे चुनना वो आप फिक्र मत कीजिए। 150 लोगों का नाम आप लिखिएगा, और ये आपका कच्चा सामग्री है, रॉ मटेरियल, जिसके बिना आप अपने काम की शुरुआत बिल्कुल कर नहीं सकते। कुछ लोग बोलते हैं कि सर चलिए इसका लिस्ट का क्या जरूरत है, मैं ऐसे ही कुछ 4-5 लोगों को बुलाता हूं
हम लोगों को बिजनेस बताते नहीं, ऐसे नहीं चलता दोस्तों। आपको सीरियसली लिस्ट बनाना ही पड़ेगा। अगर आप इसे सवाल करेंगे तो आप सक्सेस पाने के लिए अपने आप को रोक रहे हैं। तो बिना कोई सवाल इन चीजों को अपनाइएगा। 150 लोगों का लिस्ट बनाना पड़ेगा आपको, और किसी भी व्यक्ति के बारे में आप चिंता मत कीजिए, ज्यादा उनके बारे में सोचिएगा मत, या उनके बारे में प्री जजमेंट का मतलब ये हो गया कि आप सोचने लगे, अच्छा मैंने राहुल का नाम लिखा, अरे राहुल तो थोड़ा नेगेटिव है, क्या राहुल के पास इस प्रोडक्ट के लिए पैसा होगा। इस तरह आप सोचते रहेंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप अटक जाएंगे और फिर भटक जाएंगे, फिर लटक जाएंगे। इसीलिए आपको ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, ठीक है? तो सिर्फ आप लिस्ट बनाइए, उसमें से कैसे सेलेक्ट करना वो आपको बताया जाएगा। तो सिलेक्शन का हो गया। यहां पर आपको मैं 4 कैटेगरी के लोग बताना चाहता हूं जिनको आप अपने लिस्ट से चुनेंगे, सेलेक्ट करेंगे। पहला कैटेगरी हो गया 25 से 55, यानी 25 to 55 का एज ग्रुप है, ये हमारे बिजनेस के लिए सबसे बेहतर होंगे। मैरिड जो लोग शादीशुदा लोग हैं उनको आप माइंड में रखिए। तीसरा हो गया जो लोग कमा रहे हैं अभी फिलहाल, जो लोग डायरेक्टली आज जो काम करते हुए कमा रहे हैं किसी भी तरह से, वैसे लोग। और फोर्थ कैटेगरी होगी जो लोग एंथुसियास्टिक है, हमेशा जोश और जुनून के साथ रहते हैं। अब मैं क्यों मैंने सिर्फ ये 4 कैटेगरी बताया आपको, मैं उसका भी थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देना चाहूंगा। यहां जो 25 उम्र से कम के लोग जो होते हैं, 25 से जो कम, 25 से कम उम्र वालों का प्रॉब्लम ये होता है, उनका मन हमेशा मचलता है। इसका मतलब उनके माइंड जो है वो स्टेबल नहीं होता है, वो हमेशा इधर उधर सोचते हैं, या लड़कियों के बारे में या लड़कों के बारे में या सोशल मीडिया या डिस्ट्रैक्शन, इन सारी चीजों के मतलब पीछे पड़े रहते हैं, और वो लोग सीरियस भी नहीं होते हैं। आप मत पूछिए सर आपको ये कैसे पता चला, मैं भी उस उम्र से गुजर चुका हूं तो मुझे पता है। तो इसीलिए 25 से बिलो जो 25 से नीचे के उम्र वाले जो होते हैं उनका सीरियसनेस कम होता है। हाँ, कुछ लोग होंगे जो सीरियस हैं, वैसे लोगों को जरूर आप लीजिएगा, नो प्रॉब्लम। और सेकेंड वन में आपको बताना चाहता था, कैटेगरी नंबर 2 है मैरिड पीपल, जो लोग शादीशुदा लोग कभी अपनी लाइफ में, मतलब कैसे बोल सकता हूं, वो काफी जिम्मेदार लोग होते हैं जो शादीशुदा लोग हैं, उनके लाइफ में काफी जिम्मेदारियों को वो निभाते हैं और अपने परिवार के बारे में सोचते हैं और सीरियस भी हैं। तो मैरिड लोग दे आर वेरी वेरी डिसिप्लिन एंड नीडी, राइट? शादी से पहले कैसे भी रहते हैं ठीक है, लेकिन शादी के बाद उनका लाइफ एकदम डिसिप्लिन हो जाता है, क्योंकि सीरियस मैटर है फैमिली। और तीसरा कैटेगरी अबव 55, मतलब तीसरा मैं आपको बता रहा था, तीसरा पॉइंट एक तो हो गया 25 से नीचे लोग जो है उनको आप अवॉइड कीजिए, सेकेंड वन हो गया शादीशुदा लोगों को आप सेलेक्ट कीजिए, और 55 के ऊपर के जो लोग हैं, 55 के बाद जो होते हैं उस उम्र के ऊपर के लोग हमेशा ये सोचते हैं, अरे मैं तो अपनी जिंदगी ऐसे ही गुजार दिया, आज तक इसी नौकरी में था, अब मैं जीरो से क्या सीखूं, क्या करूं अपनी लाइफ में, नई चीज कैसे मैं अपना सकता हूं। इस तरह का नेगेटिव थॉट प्रोसेस या कभी कभी माइंड ब्लॉक्स उनके अंदर होता है। कुछ लोग बोलते हैं, अरे आज तक मैं कंप्यूटर यूज नहीं किया, 55 साल मेरा हो गया, अभी मैं कंप्यूटर कैसे यूज करूं। ऐसे लोगों का माइंड सेट होता है, कुछ लोगों का, सभी लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ लोगों की बात कर रहा हूं। तो ऐसे अगर लोग होंगे तो उनका भी प्रॉब्लम होगा, वो लोग सीरियसली कुछ नया सीखने के लिए रेडी नहीं होते। इसीलिए 55 के ऊपर और 25 के नीचे लोगों को मैंने अवॉइड करने को कहा। और तीसरा चौथा पॉइंट यहां पर बताया जा रहा है, जो लोग कमाते हैं उन लोगों को आप ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए, क्योंकि जो कमाते हैं उनके निर्णय, उनके डिसीशन उनके हाथों में होता है। अगर हाउसवाइफ्स एंड स्टूडेंट्स होते हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको आप प्लान तो दिखाएंगे, उनको बढ़िया भी लगेगा, फिर कहेंगे मुझे पापा से पूछना पड़ेगा, मुझे मामा से पूछना पड़ेगा, घर में मुझे बताना पड़ेगा। इस तरह के लोग खुद डिसीजन नहीं ले पाते हैं। इसीलिए जो लोग खुद अपने कमाई पर हैं, जिन लोगों का कमाई है उन लोगों को अप्रोच करना अच्छा होगा। और लास्ट पॉइंट मैंने बताया था, जिनके अंदर जोश और जुनून, जो लोग जोश और जुनून से भरे हुए लोग हैं, इस तरह के लोगों को भी आप सेलेक्ट करते हैं, कर सकते हैं। और कैसे आप पहचानेंगे लोग जोश और जुनून वाले लोग, जोशीला लोग, कैसे आपको समझ में आएगा कि आदमी के अंदर जोश है कि नहीं? अभी देखिए, इस गैलरी में आप देख सकते हैं कुछ लोग इस ट्रेनिंग को
सोते हुए अटेंड कर रहे हैं। अरे भाई 90 मिनट का ये प्रोग्राम है, 90 मिनट्स का, इस 90 मिनट्स को भी अगर आप डिसिप्लिनली इस प्रोग्राम को अटेंड नहीं कर पाएंगे तो आप किस किस्म के करोड़पति बनेंगे। तो लोग यहां पर हैं जो सब्जी काटते हुए इस प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं, खाना बनाते हुए देख रहे हैं। अरे भाई अपनी ग्रोथ के लिए 90 मिनट्स आप नहीं दे पा रहे हैं तो कैसे आप इस बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल बन सकते हैं। इस बिजनेस को छोड़ दीजिए, जिंदगी में किसी भी क्षेत्र में कामयाब बनने के लिए डिसिप्लिन की जरूरत है। अब वो लोग एंथुसियास्टिक लोग हमेशा उनके बातों से उनका पहचान, उनकी आदतों से, उनकी जो ड्रेसिंग सेंस है, उनका जो मतलब जिस तरह अपनी जिंदगी जीते हैं, आपको पता चलेगा अच्छा ये आदमी थोड़ा डिसिप्लिन्ड है, ये आदमी जोशीला है, एंथुसियास्टिक है। तो इस तरह के कैटेगरी, क्योंकि आपको चार टिक मारना पड़ेगा अपनी लिस्ट पर। फर्स्ट टिक, टिक नंबर वन, अगर वो सही है मतलब 25 से ऊपर 55 से नीचे, टिक नंबर वन, अच्छा वेरी गुड, टिक नंबर वन। और सेकेंड वन शादीशुदा लोग, टिक नंबर टू मारो। और तीसरा हो गया सिलेक्शन के लिए सजेशन कि लोग जो अपने कमाई पर रहते हैं, खुद के अर्निंग पर रहते हैं। फर्स्ट हो गया 25 एंड अबाव, 55 से नीचे, टिक हो गया। सेकेंड हो गया मैरिड शादीशुदा लोग। तीसरा लोग जो खुद अपने कमाई पे जीते हैं, तीसरा कैटेगरी। और फोर्थ कैटेगरी हो गया जिनके अंदर जोश और जुनून है। अगर ये चारों चीज अगर किसी व्यक्ति को, व्यक्ति के अंदर है और आपने उसे पहचान लिया, तो मैं आपको बताना चाहता हूं वो आदमी इंडस्ट्रीवा बिजनेस करने के लिए बहुत ही लायक, या मैं मान सकता हूं मतलब वो इस बिजनेस करने के लिए सही माना जा सकता है, या इंडस्ट्रीवा बिजनेस उस व्यक्ति के लिए सूटेबल है, उस व्यक्ति के लिए सूट करेगा। तो इस तरह आप चार टिक दीजिए, उन लोगों को पहले अप्रोच कीजिए। और अगर कोई आदमी है जिसका तीन टिक है, अपने चार टिक वालों का खत्म होने के बाद आप तीन टिक्स में आइए, तीनों टिक, और उसके बाद आप दो टिक, ऐसे आप सिलेक्शन कर सकते हैं। शायद ये आपके लिए बहुत ही इजी हुआ होगा। अब चलिए मैं थोड़ा सा प्रोस्पेक्टिंग को लेकर आपको बात करना चाहता हूँ। चलिए इसीलिए हम लोग खेत के अंदर जाते हैं, जो लोग खेती बाड़ी करते हैं उन लोगों से हम सीखते हैं। अगर कुछ भी खेती में जो काम करते हैं ना, उनको पता है जो भी वो मतलब ग्रो करना चाहेंगे, उस जमीन को तैयार किया जाता है पहले, कुछ भी बोने से पहले, उसके अंदर जो बीज बोते हैं उससे बोने से पहले वो उस जमीन को तैयार करते हैं, तब जाके उनको पता है हाँ मैं जो उगने जा रहा हूं वो सही सलामत, उसका जो फल जो है, फसल मुझे मिले, राइट। तो ये होता है खेती। तो दोस्तों बिजनेस भी इसी तरह होता है, जैसे हम लोग जमीन को तैयार करके उसके बाद खेती का काम शुरू करते हैं या उसके अंदर बोना शुरू करते हैं, वैसे हमें भी अपने प्रोस्पेक्ट को तैयार करना पड़ता है। तैयारी कैसे किया जाता है मैं आपको बताता हूं। एक, आप तो अपने प्रोस्पेक्ट के माइंड में तैयारी करने के बाद अगर उसे लेकर आएंगे तो बहुत ही आसान तरीके से आप उनको बता सकते हैं। जैसे अभी मैं यहां पर मिस्टर विष्णु साइकिया को लेना चाहूंगा। विष्णु जी आप हैं मेरे साथ? यस सर, यस सर। अच्छा अच्छा, तो दोस्तों अभी हम लोग एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन यहां पर करेंगे हमारे विष्णु साइकिया के साथ। अब विष्णु और मैं अच्छे दोस्त हैं, मान के चलते हैं मैं आज विष्णु को इंडस्ट्री और बिजनेस में लाने की प्रयास कर रहा हूं, उससे पहले मैं तैयारी कर रहा हूं। और इस चीज को आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए, इसका मीनिंग है प्रोस्पेक्टिंग, यानी तैयार करना। फॉर एग्जाम्पल अभी विष्णु जी अभी अपने एजुकेशन कंप्लीट इन्होंने किया और जोराट में एक कंपनी में काम कर रहे हैं जहां पर इनका सैलरी है 20-25,000। और अभी इनका जो लास्ट मंथ का सैलरी 50% आया है और इस महीने का सैलरी आने का संभावना है लेकिन अभी आया नहीं है, ठीक है। और विष्णु परेशान है, तो विष्णु के साथ जब मैं बात करता हूँ किस तरह मैं विष्णु को सेलेक्ट कर सकता हूँ, इनवाइट कर सकता हूँ, प्रोस्पेक्टिंग कैसे कर सकता हूँ, ये आपको अभी मैं बताना चाहता हूँ। जैसे चलिए हम लोग अभी एक लाइव एग्जाम्पल देखते हैं। विष्णु अच्छा ठीक है, रेडी है विष्णु? यस सर, यस सर, रेडी। अच्छा वेरी गुड, ठीक है। तो दोस्तों ये है फोन कॉल, ओके, वीडियो कॉल भी हो सकता है, तो ठीक है। तो विष्णु जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर।
अच्छा विष्णु, कैसे चल रहा है? अभी तो लॉकडाउन पे नौकरी पे जा रहे हैं आप या घर पे रहते हैं आजकल? एक्चुअली ये लास्ट महीने तक ठीक था, लेकिन इस महीने से अच्छा मिलेगा कब मिलेगा ऐसा कुछ कंफ्यूजन में हो अभी। अच्छा बोल रहे हैं। आपका सैलरी ठीक ठाक मिल रहा है आपको एवरी मंथ? लास्ट महीने तक मिल रहा था, लेकिन इस महीने क्या होगा अभी मालूम नहीं चल रहा है। अच्छा, शायद मिलेगा दो तीन हफ्ते में। अच्छा आज तो 15, हाँ आज तो डेट 16 है ना, 16 है आज। अच्छा अभी तक आपको सैलरी नहीं मिला? नहीं मिला, नहीं मिला, क्या करो, जॉब भी ऐसा है। अच्छा क्या आपको पता बताया गया कि नेक्स्ट मंथ से कुछ जॉब लॉसेस कुछ होगा, आपकी कंपनी से कुछ लोगों को निकाला जाएगा, ऐसे कुछ खबर आया आपको या टीवी में? तो मैं काफी देख रहा था, आपको कैसे लग रहा? हाँ ऐसा सुनने को मिला है, और हमारे स्टाफ में से भी किसी लोगों का अभी जॉब गया है, ऑलमोस्ट 20% का। अच्छा। अभी क्या होगा बाद में पता चलेगा, एक्चुअली वो क्वालिटी देख के लोगों को रखेगा ऐसा कुछ सुनने को मिला है। अच्छा 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 ठीक है ठीक है। विष्णु जी मैं आपको इसीलिए फोन किया था, मेरा भी आपको पता है ना लास्ट मंथ तक सैलरी मुझे मिला था, और उस टाइम पे कंपनी का मैसेज आया कि वो कंपनी बंद करने जा रहे हैं। तो मैं अपना दोस्त जो है प्रवीण उससे बात किया था, और उसने मुझे बताया अगर मेरे पास लैपटॉप है और मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन है तो मैं घर पे बैठ के काम करने का एक होम बेस्ड बिजनेस, वो जो जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ मैं कर सकता हूँ, ऐसे मुझे मेरा दोस्त ने मुझे बताया। और मंडे 10 बजे उस मीटिंग में जाने वाला हूँ जूम पर। अगर अगर आप सीरियस हैं तो मेरे साथ एक आदमी को लेके जाने का मौका मुझे दिया गया है, तो इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा था, क्या आप उसके बारे में जानना चाहेंगे थोड़ा सा? एडिशनल कुछ इनकम के बारे में सोच ही रहा था, ऐसा कुछ मौका मिलेगा तो अच्छा ही होगा, आप मुझे वो लिंक दीजिएगा मैं देखूंगा। अच्छा तो क्या आप सीरियस हैं? क्योंकि विष्णु जी वो सीमांता जो है ना वो भी मुझे पूछ रहा था, मैं सोच रहा था आपको बुलाऊं या सीमांता को बुलाऊं। आप अगर सीरियस हैं तो सीमांता को मैं नेक्स्ट टाइम बुलाऊंगा, इस टाइम आपको बुलाऊंगा मैं। आप मुझे बताइए आप सीरियस हैं? हाँ 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 मैं सीरियस हूँ, मैं देखूंगा, क्योंकि अभी क्या होगा मालूम नहीं फ्यूचर में, इसीलिए देखना जरूरी भी है, फैमिली का भी प्रेशर है ऐसा बहुत कुछ है। अच्छा ठीक है, आपका बहुत फाइनेंशियल कमिटमेंट है क्या? हाँ हाँ आपका बहुत फाइनेंशियल कमिटमेंट है, ईएमआई वगैरह? हाँ हाँ वो तो है, नेक्स्ट महीने से ईएमआई भी देना पड़ेगा, इस महीने तक तो नहीं देना पड़ा था लेकिन नेक्स्ट महीने से देना है। अच्छा 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 ठीक है, देख लीजिए, क्योंकि मेरा भी बहुत सारा कमिटमेंट है फाइनेंशियल कमिटमेंट, इसीलिए मैं इसके बारे में सीरियसली सोच रहा था। तो आपको मैं कल 10 बजे का प्रोग्राम है, 15 मिनट पहले आपको कॉल करूंगा, आप फॉर्मल ड्रेस में रेडी रहना, एक इंटरव्यू के जैसे होगा ये। ओके 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 थैंक यू सो मच। मतलब आपको क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा लेकिन आपको सिर्फ सुनना होगा। ओके 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 और पार्टिसिपेट एक्टिवली करना भी पड़ेगा उसके अंदर। ओके 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 अगर आप फॉर्मल ड्रेस पे नहीं है तो आपको मीटिंग से बाहर निकाला जाएगा, इसीलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, आपको फॉर्मल ड्रेस पे बैठना होगा। ओके 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 ठीक है। ओके 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 सो विष्णु सी यू, टेक केयर, मैं आपको मंडे सुबह 9:45 को कॉल करता हूँ, ठीक है? ओके ओके थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय विष्णु, एंजॉय योर वीकेंड, बाय बाय। अच्छा तो दोस्तों ये एक सैंपल था, जैसे मैं आपको बताया था अभी अभी, कैसे लोगों को तैयार किया जाए। इस तरह बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स है, आप अपने माइंड को यूज करेंगे तो बहुत सारे आइडियाज मिलेंगे आपको, लेकिन आपको बता रहा हूँ आपको झूठ बोलने का जरूरत नहीं है, ओवर कमिट करने का जरूरत नहीं है, आप जो भी बोलना है बिजनेस को लेके आप उनको बताइए, क्यूरियोसिटी उनके अंदर बढ़ाइएगा, ताकि उनके अंदर जब क्यूरियोसिटी बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली वो लोग इस बिजनेस के बारे में सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है विष्णु, कैन यू सी द स्क्रीन? यस 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 सर। अच्छा थैंक यू। तो दोस्तों ये हो गया प्रोस्पेक्टिंग, उसके बाद होता है एक, जैसे फॉर एग्जाम्पल रैक्स टू रिचेस हमारा एक वीडियो है, उस वीडियो को भी आप लोग यूज कर सकते हैं, उस वीडियो के जरिए आप लोगों को इनवाइट भी कर सकते हैं। जैसे आपको बताना होगा कि देखो 6 साल के अंदर 48 मेंबर्स यानी 48 लोग इस कंपनी के अंदर करोड़पति बन चुके हैं, जो अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, जैसे कोई था पान वाला, कोई विधवा, कोई रिटायर्ड आदमी, एक मिलेनियल अभी अभी जो यंगस्टर है, और ट्रेडर्स वगैरह वगैरह, अलग अलग कैटेगरी के लोग प्रोफेशनल्स इस कंपनी के अंदर करोड़पति बन चुके हैं, उसका वीडियो मैं अभी आपको सेंड कर रहा हूं,
उस बिजनेस के बारे में हम लोग मंडे जानेंगे। इस तरह आप अपने प्रोस्पेक्ट मतलब अपने गेस्ट जो हैं उन लोगों को आप तैयार कर सकते हैं, क्योंकि जब किसी चीज को तैयार करके उनको बताया जाता है लोग उसे स्वीकार करने के लिए अपने माइंड को ओपन करते हैं। अगर आपने किसी से फेसबुक पे ऐसे ही बात किया, आपका पुराना दोस्त, और आपने बोला क्या तू मंडे फ्री है क्या, वो दोस्त बोल रहा था हाँ आजकल लॉकडाउन चल रहा है मंडे फ्री हूं, चल एक काम कर मेरे साथ एक जूम मीटिंग में आ जा, तो वो सोचेगा ये कोई टाइम पास वाला प्रोग्राम है, और वो लुंगी पहन के बनियान में बैठ के हुए वो जूम मीटिंग में आएगा। तो आप मुझे बताइए, विष्णु का एक जो मैंने तैयारी किया था, दूसरा एक एग्जाम्पल मैंने दिया अपने दोस्त को ऐसे ही बुलाना, तो बिना तैयारी जिस दोस्त को मैं बुलाता हूं शायद उस आदमी को ये अपॉर्चुनिटी समझ में भी नहीं आएगा। सो तैयारी के साथ बिजनेस में लाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। और इनविटेशन, जैसे मैंने विष्णु जी को अभी इनवाइट किया, मंडे का जो प्रोग्राम है 10 बजे का होगा, फॉर्मल ड्रेस में बैठना होगा, उसको ये भी बताना होगा कि जूम मीटिंग कॉन्फ्रेंस होगा, वी शैल यू नो दोज़ हू रेस्पॉन्ड टू योर प्रोस्पेक्टिंग, यानी जो लोग आपके इनविटेशन को रेस्पॉन्स देते हैं उन लोगों को आप जूम में तैयारी के साथ लेकर आइए। और उसके बाद कभी लोगों को मतलब छोटा मोटा इधर उधर का मतलब बिजनेस के बारे में टूटा फूटा इंफॉर्मेशन जो होता है वो कभी दिया मत करिएगा, मत देना, क्योंकि उस तरह के इंफॉर्मेशन देने से लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, मिसगाइड भी हो सकते हैं। जैसे कुछ लोग उनके गेस्ट को बुलाते हैं, अरे सुनना यार एक बहुत बढ़िया स्कीम है, सिर्फ दो लोगों को पकड़ना है, दो लोगों को पकड़ने से एवरी वीक तुझे 2.5 लाख मिलेगा। अगर इस तरह आप लोगों को बुलाएंगे लोग आपसे दूर भाग जाएंगे, इसका मतलब पहले तो फिजिकली भाग जाते थे, अभी डिजिटली आपको ब्लॉक कर देंगे। तो इसीलिए आप कभी लोगों को आधा अधूरा इंफॉर्मेशन कभी मत दिया करिएगा। और जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी के साथ पिक्चर देखने जाते हैं, अगर आपने उस पिक्चर का कहानी पहले एक बार आपने पिक्चर देख लिया या कहानी आपको पता है, तो भी आप अपने दोस्त को कहानी नहीं बताएंगे, आप उसको बोलेंगे अरे तू खुद पिक्चर देखना तब तुझे समझ में आएगा, अरे पिक्चर के लिए इतना सीरियस है, ये जिंदगी का मामला है, कितना सीरियस होना चाहिए, उससे ज्यादा सीरियस आपको होना जरूरी है दोस्तों। और अपने गेस्ट को ये भी बताना होगा, जैसे विष्णु की बात कर रहा था, यहाँ पर विष्णु को मुझे बताना होगा, विष्णु जी इस प्रोग्राम में आप फॉर्मली पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, अभी 10 मिनट में शुरू होने वाला है, और एक सजेशन मैं आपको देता हूं, इस प्रोग्राम को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एंड में बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज आपको दिया जाएगा। विष्णु तो आप काफी सीरियस हैं, इसीलिए मैंने आपको ये मौका दिया है, इसको मिस मत करना। आपका कोई भी कॉल, फोन कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप जो भी आता है सब कुछ हटा के रख दीजिए, अंत तक प्रोग्राम देखिएगा। इस तरह हमें अपने गेस्ट को तैयार भी करना होगा। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, बहुत ही मतलब इगोइस्टिक होते हैं, थोड़ा सा एटीट्यूड वाले होते हैं, वो बोलते हैं कि अरे ये सब कुछ मुझे पता है मैं देखा हूं, उन लोगों को ये बताना होगा अरे सुन इसके बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं, मैंने अभी अभी इस बिजनेस को स्टार्ट किया, एक काम कर तू इस पूरा प्रेजेंटेशन को सुनना, सुनने के बाद समझने के बाद अगर इसमें कोई गलती है तो मुझे भी बताना। जब आप लोगों को ऐसे बोलेंगे ना वो बंदा अपने ईगो के लिए भी सीरियसली बैठेगा, क्योंकि वो कुछ गलत ढूंढना चाहता है तो उसके लिए वो देखना चाहता है। आप फिक्र मत कीजिए, वो जो भी कोशिश करेगा उसको प्रेजेंटेशन में पॉजिटिव दिखेगा, बल्कि नेगेटिव कहीं पर नजर नहीं आएगा। अगर नेगेटिव नजर आया तो भी उसको हैंडल करने का तरीका है, मैं आपको वो बाद में बताता हूं। और मंडे से लेकर फ्राइडे, सोमवार से लेकर रविवार, मतलब शुक्रवार तक, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक कंपनी का 9 से 9 यानी दिन का 12 प्रोग्राम 6 अलग अलग लैंग्वेजेस में कंपनी की तरफ से फ्रीली आपको कंडक्ट किया जा रहा है। आप लोग इस प्रोग्राम्स के लिंक लीजिए या उसका मीटिंग आईडी पासवर्ड लीजिए और अपने गेस्ट के साथ उसको शेयर कीजिए, और उनको बोलिए आप अपने वाइफ के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपने मम्मी के साथ, अपने पापा के साथ, अपने भाई के साथ, जो भी है उनके साथ,
उनके साथ इस प्रोग्राम में बैठने को बोलेंगे तो ज्यादा उनको इस बिजनेस के अंदर सीरियस होने का चांसेस भी है, क्योंकि टाइम पास वाली जो चीज है उसके लिए हम कभी मम्मी पापा या बीवी अपने हस्बैंड को या भाई को हम बिठाते नहीं। तो इसीलिए जब आप ऐसे बोलेंगे तो और भी सीरियसनेस बढ़ेंगे दोस्तों। और ड्रेस कोड के बारे में मैंने बता दिया आपको, और उनको ये भी बताना है आपका कैमरा ऑन रहना चाहिए पूरा प्रोग्राम जो होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे लोगों ने कैमरा बंद करके रखा है, पता नहीं क्यों बंद किया है, लेकिन आपको अपने गेस्ट को बोलना चाहिए कैमरा ऑन करके रखना है, क्योंकि गैलरी में आपको देखेंगे, अगर आपका कैमरा बंद है तो आपको वेटिंग रूम में डाल दिया जाएगा। इस तरह बोलेंगे तो वो आदमी पूरा दिल ध्यान और दिमाग के साथ प्रेजेंटेशन में बैठेगा। और बीच बीच में जैसे विष्णु, आप मुझे एक थम्स अप दीजिए, अभी आप सभी लोग देखिए यहाँ पर विष्णु जी मुझे थम्स अप दे रहे हैं। विष्णु जी एक थम्स अप दीजिए, हाँ एक क्लैप कीजिए विष्णु, एक बार क्लैप उसमें। अच्छा आप सभी लोग भी कीजिए, आपके पास भी ऑप्शन होगा, रिएक्शन का एक ऑप्शन है, बटन दबाइए एक बार सब लोग। हाँ मानस प्रतिम बरवा, थैंक यू। मनीष शर्मा ने किया, थैंक यू क्लैपिंग के लिए। अच्छा 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 ठीक है वेरी गुड। तो इस तरह प्रेजेंटेशन के टाइम में आपको ज्यादा मैक्सिमम आपको भी क्लैपिंग और थम्स अप ये सब देना होगा। जब भी आपको ठीक लगे सही लगे आप वो क्लैपिंग दीजिए, क्योंकि आपका गेस्ट जो है वो आपको भी उस वीडियो में शायद देखता रहेगा। जब आपका गेस्ट आपको कैमरा में देखता है, अगर आप कैमरा में सो रहे हैं तो आपका गेस्ट आपके बारे में क्या सोचेगा। इस तरह कभी नहीं होना चाहिए। और कमेंट बॉक्स अगर है, चैट बॉक्स, वहां पर भी ग्रेट वंडरफुल, इस तरह के कमेंट्स आप लगातार देते रहेंगे तो आपका जो गेस्ट जो आया है उसको ये समझ में आएगा। और प्रेजेंटेशन होने के बाद आपको एक ट्राइपार्टी कॉल अटेंड करना अरेंज करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे साथ अभी हैं मिस्टर विष्णु, मैं आपको एक ट्राइपार्टी कॉल का एग्जांपल यहां पर देना चाहता हूं। डू वी हैव मानस, यहां पर है मानस नहीं है, अच्छा रवि मैसी जी हैं। रवि मैसी जी नमस्कार, रवि मैसी जी को मैं लाइन पे लेना चाहता हूं। रवि जी कैन यू ऑन योर वीडियो, यस रवि जी यहां पर है जो हेलो हेलो अच्छा रवि जी नमस्कार, नमस्कार रवि जी, नमस्ते सर, नमस्कार सर। अच्छा अच्छा रवि जी आपको अभी एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैंने यूज किया, ठीक है सर, ऑलराइट सर। अच्छा अच्छा तो दोस्तों अभी रवि जी हमारे साथ हैं, रवि जी मेरे गेस्ट हैं जिन्होंने प्रेजेंटेशन आज सुबह जो वरिंदर जी का हुआ था 10 बजे का हिंदी प्रेजेंटेशन वो अटेंड मैंने करवाया मिस्टर रवि जी को, और रवि जी मेरे गेस्ट हैं और मैं रवि जी को अपने अपलाइन के सामने बिठाना चाह रहा हूं। और मेरे अपलाइन है मिस्टर प्रवीण। प्रवीण जी आर यू देयर विथ मी, कैन आई सी यू प्रवीण जी? यस यस सर आई एम हियर। अच्छा दोस्तों ये है मिस्टर प्रवीण। अच्छा यहाँ पर ट्राई पार्टी का ऑप्शन नहीं है तो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो अभी मैं प्रवीण जी को मिलाने के लिए रवि जी को कैसे तैयार करूंगा, आप लोग एक थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन दीजिए यहाँ पर। अच्छा रवि जी आप हैं अभी मेरे साथ, आप सुन पा रहे हैं? यस सर, यस यस सर। अच्छा रवि जी आज सुबह आपने जो प्रेजेंटेशन अटेंड किया था वरिंदर जी का, जो ब्लैक डायमंड थे उन्होंने जो प्रेजेंटेशन दिया था, उसके अंदर आपको कुछ क्वेश्चन करने के लिए या बात करने के लिए मौका नहीं दिया गया, क्योंकि बहुत 500 लोग थे उस हॉल के अंदर, मौका नहीं दिया गया है, लेकिन आपके लिए स्पेशली मैंने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया 15 मिनट का जिसके अंदर आप बात कर सकते हैं। आर यू रेडी फॉर दैट रवि जी? यस सर आई एम रेडी। अच्छा रवि जी जो भी आपके माइंड में जो क्वेश्चंस है वो सब आप हमें वहां पर पूछ सकते हैं, और मैं अभी आपको उनके सामने रखना चाहता हूँ, इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, जो है मिस्टर प्रवीण। प्रवीण सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते प्रिंस सर। नमस्ते नमस्ते प्रवीण जी, ये है मिस्टर रवि जी जो मेरे बहुत ही पुराने दोस्त हैं, दिल्ली में हम लोग साथ में रहते थे द्वारका में, और रवि जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और आज सुबह रवि जी ने वो वरिंदर जी का प्रेजेंटेशन अटेंड किया था और उनको कुछ आपसे मिलवाने का थोड़ा सा प्लानिंग कर रहा था मैं। और हाँ रवि जी मैंने बताया था ना प्रवीण जी जिनके सपोर्ट की वजह से मैं इस बिजनेस को कर पा रहा हूँ, तो ये है मिस्टर प्रवीण जी। तो रवि जी आप जो भी क्वेश्चंस है आपके वो आप प्रवीण सर से पूछ सकते हैं और प्रवीण सर अभी आपको क्लैरिफाई करेंगे। यस रवि जी पूछिए। राइट सर।
ओके नमस्ते नमस्ते सर प्रवीण सर नमस्ते नमस्ते बहुत खुशी हुआ आपको देख के आपने हमारा प्रोग्राम को देखा कल आज सुबह 10 बजे और कैसे फील हो रहे हैं और आप बताइए क्या पूछना चाहते हैं इसके बारे में यस सर मुझे थोड़ा ये जानना था सर कि वैसे भी आजकल मेरा जो जॉब है उसका बिकॉज ऑफ लॉकडाउन और बहुत सारा न्यूज आ रहा है कि लोग निकालने वाले हैं तो इसी मैं प्रेम सर के साथ मैं हालांकि इट वॉज जब घर में था मैं लॉकडाउन की वजह से तो फिर भी मैंने ये प्रोग्राम को देखा क्योंकि भविष्य के लिए बहुत चिंता है क्या होगा बच्चों का सारा खर्चा तो वही है और अभी कुछ पता नहीं चल रहा है तो मैंने देखा लेकिन सर इस बिजनेस में कैसे करेंगे बिजनेस में एक्चुअली मैंने तो वीडियो देख लिया लेकिन बाकी लोगों को कैसे बिजनेस करेंगे अच्छा अच्छा रवि जी बिल्कुल सही किया आपने इस सही टाइम पे आपने इस अपॉर्चुनिटी को चुना आपने और दूसरा क्या है आपका जो प्लान जो है मिस्टर प्रेम वो बहुत बढ़िया बढ़िया डिस्ट्रीब्यूटर है बहुत बहुत अच्छे तरह से बिजनेस कर रहे हैं और वो उन्होंने एक्चुअली हर प्रोग्राम को अटेंड करते हुए इस बिजनेस में एक ऊंचे लेवल पे आ रहे हैं एक्चुअली आपको भी वीडियो अटेंड करना पड़ेगा और दूसरा आपका जो जितने भी प्रोस्पेक्ट्स है गेस्ट है उन लोगों को इनवाइट करना पड़ेगा जूम मीटिंग को और उन लोगों को अटेंड करना पड़ेगा जैसे कि आप कैसे पीओपी देखा और आप कैसे अभी प्रिंसेस से पूछा कि लीडर से मिलवाने के लिए सेम सिचुएशन सेम तरीके से आपको भी आपके प्रोस्पेक्ट्स को प्रोग्राम अटेंड करवाना पड़ेगा और उसके बाद ना जो हम है उसको जो भी क्लैरिफिकेशन रहेगा बिजनेस के बारे में या प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी उसके बारे में हम लोग क्लैरिफाई करेंगे और उन लोगों को भी सेम सिचुएशन सेम तरीके में हम लोग बिजनेस करने के लिए मौका दे देंगे ठीक है ओके ठीक है सर थैंक यू वेरी मच अच्छा सर ये प्रोडक्ट के बारे में ये प्लान के बारे में मुझे बताना पड़ेगा मुझे कन्विंस करना पड़ेगा अपने लोगों को नहीं 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 ऐसा नहीं है क्योंकि देखिए सोमवार से लेके शुक्रवार तक हमारा कंपनी में हर घंटा एक एक करके बहुत सारे लैंग्वेज में हमारा वीओपी रहेगा ठीक है वहां पे भी प्रोडक्ट के बारे में एक जानकारी दिया जाता है और दूसरा हर दिन सोमवार से लेकर शुक्रवार तक एक्चुअली हमारा डॉक्टर जो है हमारा ऑफिस हमारा कंपनी का कॉर्पोरेट का एक डॉक्टर जो है एमडी आयुर्वेदा डॉक्टर बालू कोलर वो एक घंटे के लिए एक फेसबुक पे लाइव सेशन आता है उसमें हर प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं आई मीन जैसे आई पल्स हो या आई कॉफी हो या आई चार्ज हो हर प्रोडक्ट के बारे में डिटेली बताते हैं वहां पे भी आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए प्रोडक्ट के बारे में आप वहां पूछ सकते हैं और आपके कस्टमर्स हो या आपके टीम के कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर वहां पे क्वेश्चन पूछ के जानकारी ले सकते हैं ठीक है ओके फिर तो बहुत आसान है सर जैसे प्रेम सर ने मुझे बुलाया वैसे ही मुझे लोगों को इनवाइट करना है बस बिल्कुल बिल्कुल बस हम लोगों को बस इस टेक्नोलॉजी को लेके हम लोग कनेक्ट करके रहना चाहिए और जिस डिजिटली जो हम लोग प्रोग्राम करते हैं ना उसको यूज करके हम लोग ग्रो करना है आपको बताया था ना इस बिजनेस के बारे में ये बिजनेस बहुत ही इजी एंड सिंपल है सिर्फ हमें यहाँ पर जो सिस्टम हमें बताया गया है सिर्फ उसे फॉलो करने से 100% हम लोग इस बिजनेस को बहुत इजीली कर सकते हैं तो कोई टेंशन मत लीजिए मैं आपके साथ हूँ अगर आपको जो भी क्वेश्चन रहेगा फ्यूचर में उसका क्लैरिफिकेशन में भी आपको देता हूँ राइट तो रवि जी आप अपने बिजनेस को इमीडिएटली स्टार्ट कीजिए और बिजनेस का जो डिटेल जो है मैंने आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर दिया प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट और कॉस्टिंग वगैरह आपको एनईएफटी करके बिजनेस के अंदर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको एनईएफटी करना पड़ेगा कंपनी के बैंक अकाउंट का डिटेल भी मैंने आपको सेंड कर दिया वो थोड़ा व्हाट्सएप मैसेज देखिए मैं आपको 10 मिनट के बाद कॉल करता हूँ राइट सर ठीक है सर थैंक यू सर कल मैं करता हूँ सर कल ठीक है थैंक यू सो मच ठीक है राइट अच्छा दोस्तों मैंने आपको लाइव एक डेमोन्स्ट्रेशन अभी दिया थैंक यू रवि जी एंड थैंक यू प्रवीण जी फॉर दैट तो अभी मुझे और एक चीज बताना पड़ेगा अपने गेस्ट को मान के चलते हैं अभी हमारा गेस्ट है मिस्टर रवि जी तो रवि जी को मुझे क्या बताना पड़ेगा कि मुझे बताना होगा इस कंपनी का जो बैकग्राउंड है मैंने काफी स्टडी किया जैसे अभी आपको लाइव बताता हूँ फिर से एक बार मैं आपको रवि जी हमारे साथ हैं अभी तो देखिए फिर से एक बार रवि जी को मैं स्पॉटलाइट पे डालता हूँ अच्छा रवि जी मैंने आपको जैसे बताया था इस कंपनी के बारे में काफी मैंने स्टडी किया कंपनी का बैकग्राउंड है बहुत ही बढ़िया बैकग्राउंड है और उसके बाद रिलायबल कंपनी है
प्रोडक्ट्स जो भी यहां पर दिया जा रहा है, इट इज 100% वैल्यू फॉर प्रोडक्ट, एडवांस्ड आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स विथ जापानीज टेक्नोलॉजी R&D। अच्छा, और उसके बाद यहां पर जो रवि जी इनकम हमें दिया जा रहा है वो भी अपने मेहनत के लिए काफी 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 बढ़िया एक वर्थ एफर्ट होगा हमारा इस इनकम के लिए। और वाइब्रेंट विवा एजुकेशन सिस्टम, इधर तो सक्सेस कैसे हासिल किया जाए हमें स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा रवि जी। जो आज तक, अभी मेरा 38 एज है, अभी तक मेरे लाइफ में ना मेरे स्कूल के अंदर या मेरे पड़ोस में या कहीं पर मैं जा रहता हूं, कहीं पर किसी ने मुझे सक्सेस का रहस्य, सक्सेस का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मुझे किसी ने नहीं बताया था। वाइब्रेंट विवा सिस्टम के अंदर मुझे अभी बहुत ही कॉन्फिडेंस फील हो रहा है मेरे अंदर, क्योंकि मुझे हर दिन बताया जा रहा है कि आपको क्या क्या करना है स्टेप बाय स्टेप। इसीलिए इन पांचों चीजों पर मेरा बहुत ही कॉन्फिडेंस है, इसीलिए मैं बिजनेस कर रहा हूँ। रवि जी आप भी स्टार्ट करिए, हम दो लोग मिलके इस बिजनेस के अंदर मिलके आगे बढ़ेंगे और मिलके हम लोग सक्सेस हासिल करेंगे इसके अंदर। ओके राइट, तो दोस्तों ये एक एग्जाम्पल हो गया जैसे कैसे हमें अपने गेस्ट के साथ बात करना है। कभी कभी ऐसे भी होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं प्रवीण जी को फिर लाइन पे लेता हूँ, प्रवीण जी मेरा गेस्ट है, तो कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, जैसे प्रवीण जी आपको अनम्यूट किया मैंने, अच्छा तो प्रवीण जी के सामने अगर मैं ऐसे बात करूंगा, एक एग्जाम्पल जो आपको नहीं करना चाहिए वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। प्रवीण जी कैसे था प्रेजेंटेशन? हाँ बस चल रहा, अच्छा लगा कि फिर भी ये ऐसा कंपनी तो बहुत आ गया है, बहुत देखा हो ना प्रवीण जी। देखिए मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बिल्कुल फोर्स नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, आपकी मर्जी है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप करिए, नो प्रॉब्लम। प्रोडक्ट्स भी आप अगर चाहिए तो यूज करके देख लीजिए, प्रोडक्ट्स में अगर कोई बेनिफिट मिलेगा तो फिर देखते हैं हम लोग। मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ, डोंट वरी, आपको मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको ठीक लगे तो आप करिए, आपकी मर्जी है। ऐसे तो है क्या? अच्छा तो दोस्तों, मैंने अभी जो हमारे बहुत सारे लोग होते हैं जिनका भी एटीट्यूड ऐसे होता है, अपने गेस्ट को कॉन्फिडेंटली बोल नहीं पाते, बोलते हैं कि आप देख लो, आपकी मर्जी है, आपका पैसा है, आप प्रोडक्ट लेके देख लो। इस तरह अगर आप बात करेंगे तो बिल्कुल गेस्ट को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, क्योंकि गेस्ट कंपनी प्रोडक्ट इनकम प्लान या वाइब्रेंट वे एजुकेशन सिस्टम इन चीजों को हटा के सिर्फ आपको देखता है। अगर आपके आंखों में वो जोश और जुनून और सच्चाई और आपकी बातों में वो कॉन्फिडेंस दिखेगा तब जाके प्रोडक्ट बिकेगा। मैं फिर से बताना चाहता हूं, ना तो प्रोडक्ट, ना तो कंपनी, ना तो एजुकेशन सिस्टम, ना इनकम प्लान, ये चारों चीज जो है ये पहले आदमी को नहीं दिखता है, वो आपको देखता है। अगर आपके बातों में कॉन्फिडेंस है, दम है, आपकी आंखों में सच्चाई है, तो उस टाइम पे आपका साइन अप होने का चांसेस ज्यादा हाई होता है दोस्तों। तो इसीलिए ऑलवेज डू द फॉलो अप विद कॉन्फिडेंस, ओके, और स्ट्रांगली आपको बताना होगा, कॉन्फिडेंटली बताना होगा, आप आगे बढ़िए, बिजनेस स्टार्ट करिए, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, हमारे जितने भी सीनियर्स हैं हम सब लोग आपके साथ हैं। ये गेस्ट को बताना बहुत ही जरूरी है, वरना गेस्ट कभी साइन अप नहीं करेगा। और कभी कभी एक बार या दो बार आप फॉलो अप करते हैं, उसके बाद गेस्ट ने थोड़ा मतलब डिले किया, तो नो प्रॉब्लम, आप बिल्कुल चिंतित मत हो जाइए वहां पर, आपको कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा और लगातार लोगों को फॉलो करना। कभी कभी लोगों को दो बार फॉलो अप करने से साइन अप हो जाता है, अगर पांच बार फॉलो अप करने का क्षमता ताकत आपके अंदर है, क्योंकि अगर आप तक गए तो आप रुक गए, और तका हुआ इंसान और रुका हुआ पानी कहीं पहुंच नहीं सकता है। तो आपको भी तकना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, झुकना नहीं चाहिए, आपको सर उठा के एकदम प्राइड के साथ इस बिजनेस के बारे में लोगों को जानकारी देना भी होगा और साइन अप के लिए पूछना भी पड़ेगा, क्योंकि अगर आप दो तीन बार पूछ के अगर आप तक गए तो आप आगे नहीं जा सकते। इसीलिए तकना मत, रुकना मत, झुकना मत, ठीक है? तो सपोर्ट मी टू डू द बिजनेस विच आई लाइक टू डू, मतलब ये आप अगर आपके बहुत करीब के लोग प्रेजेंटेशन में आए,
शायद आपके मामा और आपके रिलेटिव्स या आपके बहुत करीब दोस्त, जो बचपन के दोस्त, उन लोगों को तो आप हक से मांग सकते हैं। फिर से बोल रहा हूं मैं आपको, हक से मांग सकते हैं। आप क्या मांग सकते हैं? आप उन लोगों को बोल सकते हैं, देखो मामा जी, मैं इस बिजनेस को करना चाहता हूं और आपका आशीर्वाद मुझे चाहिए, आप इस बिजनेस के अंदर 200 पीवी का प्रोडक्ट खरीद लीजिए और मेरे साथ आ जाइए और मुझे बिजनेस करने के लिए आपकी मदद जरूरी है। इस तरह अपने करीब के लोगों को आप हक से भी बोल सकते हैं, क्योंकि उनको शुरू में समझ में नहीं आएगा इंडस्ट्री का। एक बार प्लान देख लिया तो किसी को ज्यादा समझ में नहीं आता, कभी कभी दो बार, तीन बार, चार बार, कभी कभी लोगों को पांच बार प्लान सुनने के बाद समझ में आ जाए, अच्छा 2.5 लाख आता है वीकली इसमें, हाँ वही तो पहले से बोल रहे हैं। लेकिन लोगों को पांच बार प्लान देखने के बाद दिमाग की बत्ती, मेंटोस का जो एडवर्टाइजमेंट आता है वैसे दिमाग की बत्ती जलेगा, पांचवे बार, कभी कभी 10 बार देखने के बाद भी लोगों को पता नहीं चलता। तो नो प्रॉब्लम, यहाँ पर एक एजुकेशन सिस्टम है, जो जानते हैं जो नहीं जानते हैं सभी लोगों को जानकारी देने के लिए हमारे पास एजुकेशन सिस्टम है। दोस्तों सेल्स क्लोजिंग में अगर आप स्ट्रांग हैं तो आपका बिजनेस बहुत तेज आगे आप लेके जा सकते हैं। द सेल्स क्लोजिंग पावर, मैं आपको बताना चाहता हूं, कभी भी गलती से भी ये उम्मीद ना रखिए कि गेस्ट दौड़ के आएगा आपके पीछे और आपके घर को खटखटाते हुए, अपने दरवाजे को खटखटाते हुए आपको बोलेगा, हाँ, सुन मैं बिजनेस करने के लिए रेडी हूं। ऐसे इतिहास में कभी नहीं हुआ है, ना मेरे साथ, ना प्रवीण जी के साथ, ना रवि जी के साथ, ना विष्णु जी के साथ, कभी किसी के साथ ऐसे नहीं होता है। अगर इस तरह के उम्मीद के साथ अगर आप बैठेंगे, इससे बड़ा बेवकूफी और कुछ नहीं हो सकता है। तो गेस्ट खुद आएगा। कुछ लोग हमें बोलते हैं, जब गेस्ट ने प्लान देख लिया तो हम उसको फोन करके बोलते हैं, अच्छा आपके जो गेस्ट आए थे ना, उनका फॉलो पेंडिंग था, कब फॉलो करेंगे? तो हमारे लोग बहुत शरीफ लोग बोलते हैं, सर हमें लोगों को प्रेशर नहीं देना है। और कुछ लोग बोलते हैं, सर हमें लोगों को टाइम देना है। और कुछ लोग बोलते हैं, सर अगर उसको आना है तो खुद आने दो सर, हम उसके पीछे क्यों पड़ेंगे, ये पूरा ईगो का नाटक है। और मैंने स्टार्टिंग में, शुरुआत में बताया था, पॉकेट में या तो आप हासिल करते हैं, कर सकते हैं, सक्सेस अपने पॉकेट में रख सकते हैं, या ईगो रख सकते हैं। जो लोग बोलते हैं अगर उनको आना है तो आने दो, ये ईगो का नाटक है, मेलोड्रामा है। आपको मैं बताना चाहता हूं, इस तरह ईगोइस्टिक बातें हमें छोड़ना होगा। हम लोगों तक पहुंचेंगे, ना कि हम लोगों को हम तक पहुंचने की इंतजार करें। कृपया आज के बाद इस एटीट्यूड को छोड़ दीजिए, लोग आपके पास नहीं आएंगे, आपको लोगों के पास जाना होगा। इसका मतलब ये नहीं कि अपने रेस्पेक्ट को खोने का बराबर, लोगों के पीछे हमें जाना होगा। क्योंकि अब देखिए, हमारे पास जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है वो हमारा बिजनेस है, और हमारे बिजनेस को लोगों को पहुंचाने के लिए हमें लोगों के पास जाना होगा, लोगों के पीछे नहीं, लोगों के पास, लोगों के पास हमें जाना होगा। तो कभी ये उम्मीद मत रखिए कि वो गेस्ट बोलेगा कि मैं रेडी हूं, वो कभी नहीं होता है, वो कभी नहीं होता है। और एक एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूं, अपने हाथ में आपने एक चॉकलेट रख लिया, अच्छा मैं करेंसी ढूंढ रहा हूँ यहाँ पर, अच्छा मान के चलते ये एक करेंसी है, ठीक है, तो अच्छा ठीक है, मेरे हाथ में एक हाथ में करेंसी है और दूसरे हाथ में चॉकलेट है, ये मान के चलिए ये कैडबरी चॉकलेट या किटकैट चॉकलेट है, ये 2000 का नोट है, ठीक है। तो जब मैं बच्चे के, एक छोटे बच्चे के सामने एक चॉकलेट दिखाऊंगा, बेटा चॉकलेट, और मैं एक 2000 का नोट रखूंगा, तो उस बच्चे को कौन सा अच्छा लगेगा? अगर वो बच्चा छोटा बच्चा है तो जरूर वो बच्चा तुरंत आके चॉकलेट को अपने हाथ से लेके छट से भाग जाएगा। तो ये बच्चे को पता नहीं है, अरे इस अंकल के हाथ में जो 2000 का एक नोट है, इसमें मैं 100-200 चॉकलेट इस तरह खरीद सकता हूं। इसीलिए बच्चे का मेंटालिटी क्या होता है, हमेशा चॉकलेट चुनता है, और इसीलिए 2000 का नोट को रिजेक्ट कर देता है। तो दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को भी लोग कभी कभी रिजेक्ट, नजरअंदाजा कर देते हैं, क्योंकि उन लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग का ताकत पता नहीं होता।
तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, जब कोई रिजेक्ट करते हैं इसका मीनिंग यही है कि उनको इस बिजनेस के बारे में ज्यादा जानकारी जरूरी है, राइट? तो इसीलिए जब लोग रिजेक्ट करते हैं, आपको तकना नहीं चाहिए, आपको डरने की जरूरत नहीं है और आपको एकदम दर्द महसूस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस है। अगर बच्चे ने 2000 नोट को इनकार किया, चॉकलेट को सेलेक्ट कर लिया, इसका मतलब ये नहीं 2000 नोट का वैल्यू नहीं है, उस बच्चे को 2000 का वैल्यू पता नहीं है। अगर आपका गेस्ट जो है, अगर उसने रिजेक्ट किया इंडस्ट्रीवा को, आपको ये याद रखना होगा, अच्छा प्रेम सर ने सही बोला, बच्चा हमेशा चॉकलेट ही चुनता है, बच्चे को 2000 नोट का वैल्यू पता नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, उस बच्चे को अपने हाथों में बिठा के, अपने कंधों पे उठाकर जाना होगा एक दुकान के पास। उस दुकान में जाके आप उस दुकानदार को बोलेंगे, भाई साहब 2000 नोट में जितना भी किटकैट आएगा उतना किटकैट आप दीजिए। तो वो दुकान वाला क्या करेगा, जैसे आईपल्स का जो बॉक्स है, इतना बॉक्स उठा के वो काउंटर पे रखेगा, बोलिए भाई साहब ये चॉकलेट क्या आप खुद अपनी गाड़ी में रखेंगे, क्या मैं लेके आके गाड़ी में रख दूं? तब वो बच्चा देखेगा, अच्छा 2000 नोट में इतने सारे चॉकलेट आता है। तो नेक्स्ट टाइम उस बच्चे के सामने जब आप रखेंगे एक चॉकलेट और 2000 नोट, वो उस चॉकलेट को मना करके उस 2000 नोट को वो बच्चा अपनाएगा। ये होता है एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस। और कभी कभी किसी का दिमाग एक ही बार झट से ऑन हो जाता है, कभी कभी ट्यूबलाइट भी होता है, कभी कभी टाइम लगता है, लेकिन हमें लोगों को जानकारी देते रहना चाहिए, देते रहना चाहिए। जैसे देखो, मेरा लास्ट वीक का इनकम 4000, इस वीक का इनकम 2000, पिछले वीक का इनकम 15000, ये इनकम बार बार जो दिखाते रहेंगे, तब जाके उनके दिमाग का जो माइंड जो है वो खुलता है, तब उनको पता चलता है अच्छा इसका वैल्यू क्या है, ठीक है। तो कीप एनरिचिंग द प्रोस्पेक्ट। और लोगों के बहुत सारे रीजंस होते हैं अपने लाइफ में, कमिटमेंट्स होते हैं। अगर उस कमिटमेंट के साथ बिजनेस को आपने जोड़ दिया तो बल्ब ऑन हो जाता है। जैसे जब तक मैं प्रवीण जी को बोलते रहूंगा, प्रवीण जी आप 200 पीवी में बिजनेस स्टार्ट करो, 200 पीवी में बिजनेस स्टार्ट करो, प्रवीण जी को शायद समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं प्रवीण जी को बोलूं, प्रवीण जी आपने बताया था कि आपको अपना जो सीटी, जो मंथली मंथली आप पेमेंट कर रहे हैं ना, जो इंटरेस्ट भर रहे हैं, उससे आप मुक्त होना चाहते थे, और आपने मुझे 2-3 बार भी ये बताया था कि वो सेकेंड हैंड बाइक जो है उससे बेच के आपको एक छोटा सा स्मॉल आल्टो कार लेना है उसके लिए, और अपने फैमिली में जो भी फाइनेंशियल कमिटमेंट है, क्या उसके लिए अगर ये बिजनेस आपको मदद कर सकता है तो क्या अपने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आप रेडी हैं? तो इमीडिएटली प्रवीण जी को वो समझ में आएगा, अच्छा इतने सारी चीजें इस बिजनेस के थ्रू मैं हासिल कर सकता हूं। तब जाके लोगों को माइंड में वो फीलिंग आएगा और लोग बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और मिडिल क्लास का एक प्रॉब्लम है, 3 मिनट के अंदर मैं प्रोग्राम खत्म करने जा रहा हूं। मिडिल क्लास का ये प्रॉब्लम है, हम लोगों से पैसा लेना जो है उसको एक पाप समझते हैं। हाँ, हमें ये मिडिल क्लास में बताया गया दूसरों के पैसा मत लेना, वो ठीक है, वो सही भी है, लेकिन जब आप बिजनेस के अंदर आ गए, बाबा इधर तो लोगों के साथ व्यवहार करना होता है, लोगों के साथ डील करना होता है। और अभी भी अगर हम मिडिल क्लास का एटीट्यूड लेके अभी डरे हुए बैठे हुए, अरे लोगों से पैसा नहीं लेना चाहिए, पैसा मांगना नहीं चाहिए, इस एटीट्यूड के साथ अगर आप बैठेंगे तो जरूर आपको इस बिजनेस के अंदर बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। तो इसीलिए आज से अपना मिडिल क्लास माइंडसेट जो है उसको घर पे छोड़ दीजिए। जब आप बिजनेस के अंदर हैं तो आप बिजनेसमैन के जैसे, एक एंटरप्रेन्योर के जैसे लोगों से ओपनली आप उनको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पूछ सकते हैं, लोगों से आप पैसा मांग सकते हैं, राइट? और अगर किसी ने बोल दिया कि मुझे बिल्कुल ये अपॉर्चुनिटी नहीं चाहिए, मेरा सैलरी बढ़िया है, मेरा जॉब ठीक ठाक है, तो आपको तुरंत बोलना चाहिए, अच्छा आपका जॉब ठीक ठाक है, पैसा ठीक है, आपका सैलरी आ रहा है, तो आपको हेल्थ चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ हेल्थ तो मुझे चाहिए। अच्छा आपके मम्मी के लिए कम से कम एक आई कॉफी ले लो। हाँ ठीक है, एक आई कॉफी दे दो। आपके पापा के लिए हार्ट के लिए प्रॉब्लम बताया था आपने, एक आई पल्स ले लो। अच्छा एक आई पल्स। आपका बेटा जो है वो अभी ज्यादा एथलेटिक्स स्पोर्ट्स में है,
उसको तो आई चार्ज देना अच्छा होगा ना, कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ेगा, एक आई चार्ज ले लो अच्छा। और आप बोल रहे थे आपके वाइफ के जो ये पिंपल्स के प्रॉब्लम से वो बहुत परेशान थी, आई ग्लो एक पैकेट दे देना गिफ्ट, अगर वाइफ को इससे रिजल्ट बढ़िया मिलेगा तो आपको बहुत तारीफ करेंगे ना। यस वेरी गुड। अच्छा तो हमारे पास, और आपने कहा था कि आपका आजकल मध्य प्रदेश बढ़ रहा है राइट, पेट भी बाहर निकल गया, तो एक आइसक्रीम ले लो अपने लिए। हाँ हाँ ठीक है चलो। तो अगर लोगों ने बिजनेस को रिजेक्ट किया तो भी आप बिना कोई शर्मिंदा होते हुए आप डायरेक्टली उनको प्रोडक्ट लेने के लिए कम से कम पूछ सकते हैं और पूछिएगा भी। मिडिल क्लास मेंटालिटी जरूर नहीं होना चाहिए, और हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट में कहीं नहीं मिलेंगे, और इस तरह के प्रोडक्ट्स का कॉम्पिटिटर भी नहीं है। और आप लोगों का आईडी तब बनाएंगे जब लोगों का पूरा पेमेंट आ गया, तो बिना फालतू में अगर आप आईडी क्रिएट करते करते जाएंगे तो आपके ट्री में लोग नहीं कचरा भरा रहेगा। तो इसीलिए डू नॉट एनरोल विदाउट प्रॉपर पेमेंट। और ये हो गया फाइनल मैसेज, और भी हमारे साथ और भी लोग हैं, और मैं फाइनली एक मिनट लेते हुए ज्यादा आपसे इस सेशन को खत्म करना चाहूंगा। जैसे कि एक नया आदमी जब बिजनेस में आता है उसको प्लान समझाना आपकी जिम्मेदारी है, उसको एनडीओ वीडियो में बिठाना वो समझाना आपकी जिम्मेदारी है, और उसको सारे प्रोडक्ट्स की वीडियोस, कंपनी के जो वीडियोस हैं वो सेंड करना वो भी आपकी जिम्मेदारी है, और एक लिस्ट बनाने में उसको मदद करना आपकी जिम्मेदारी है, और उस आदमी के कोई यूएस के कनेक्शंस हैं, यूएस का जो कनेक्शंस है वो भी चेक करना आपकी जिम्मेदारी है, एंड फाइनली एक इंसान को स्टार रिवॉर्ड 1 और 2 3000 का जो बेनिफिट है रिवॉर्ड वो हासिल करवाने के लिए मदद करना भी आपकी जिम्मेदारी है। और स्टार 1000 आज की तारीख में एक स्पेशल रैंक है, क्योंकि कंपनी के अंदर डिजिटली बिजनेस करने के लिए हमारे लोगों को मुफ्त में एक लैपटॉप दिया जा रहा है, सारे एप्स को डाउनलोड करते हुए वो आप मतलब इंस्टॉल करके आपको वो लैपटॉप दिया जाएगा, अ ब्रांड न्यू ब्रांडेड लैपटॉप, और वो स्टार 1000 रैंक पर है। जो हमारे जितने भी साथी आज पहली बार इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप सभी लोगों को मैं चैलेंज करना चाहता हूं, 13 हफ्तों के अंदर, 13 वीक्स के अंदर कोई भी इंसान स्टार 1000 अचीव कर सकता है। ये बहुत सारे लोगों ने अभी तक करके दिखाया, 100, 200, 300 हजारों लोगों ने करके दिखाया, तो आप सभी लोगों को भी मैं चैलेंज रख रहा हूं, 13 वीक्स के अंदर आप अपने लैपटॉप अचीवमेंट और स्टार 1000 रैंक यानी 1 लाख का टोटल इनकम अगर आप लेने के लिए रेडी है तो आपको सपोर्ट करने के लिए हम लोग रेडी है। और आपको जिन्होंने स्पॉन्सर किया बिजनेस के अंदर, कृपया उनके मार्गदर्शन पर आज से आप लोग चलेंगे। और ये हो गया आज का सेशन, खत्म समाप्त हुआ है। थैंक यू वेरी मच। 90 मिनट्स बोला था, थोड़ा सा लेट हो गया बीच में, 2 मिनट लेट शुरू किया हम लोग, सो 4:32। थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस, एंड नाउ फॉर द वोट ऑफ थैंक्स आई अगेन इनवाइट अवर विष्णु बैक टू द स्पॉटलाइट। विष्णु जी हमारे साथ अभी मौजूद हैं, तो विष्णु विद अ thank you to everybody and participation for all the participants, you can wind up with a vote of thanks.